कि भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित शरणागति नाम की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसमें से हम एक भजन लेके चर्चा करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित ये किताब शरणागति में भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति के 6 पड़ाव के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि शरणागति में पहला पड़ाव ये है कि हम विनयी बन जाए, हम्बल, ह्यूमिलिटी। दूसरा पड़ाव है भक्ति का आत्मनिवेदन, भगवान की पूर्ण रूप से आत्मनिवेदन करना, भगवान को पूर्ण रूप से आत्मनिवेदन करना। भक्ति का तीसरा पड़ाव है जहाँ हम भगवान के सिवाय और किसी को मानते ही नहीं हैं, पूरा पूरा शरण भगवान का जब हम लेते हैं। इस भाव को बोलते हैं गोपी त्रित्वे वर्णा, जहाँ पे कृष्ण आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। चौथा पड़ाव ये है जहाँ पे हम भगवान पे हमारी श्रद्धा होती है, हम कहते हैं अवश्य रक्षिवे कृष्ण, कृष्ण ज़रूर मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा हमारा भरोसा है भगवान पे। पांचवा पड़ाव है जहाँ पे हम भक्ति की अनुकूल क्रियाओं को अपनाते हैं, और छठा पड़ाव है जहाँ पे भक्ति के प्रतिकूल क्रियाओं का वर्जित, मतलब हम उनका त्याग करते हैं। समझ में आ रहा है ना? भक्ति के 6 पड़ाव, पहले विनयी होना, दूसरा हम आत्मनिवेदन करना, तीसरा भगवान को पूर्ण रूप से वो ही एक हमारे शरण है ऐसे मानना, चौथा भगवान के ऊपर में पूर्ण विश्वास, अवश्य रक्षिवे, भगवान ज़रूर मेरी रक्षा करेंगे, और पांचवा जो भक्ति के अनुकूल है ऐसी क्रियाओं को अपनाना, जो भक्ति के प्रतिकूल है ऐसी क्रियाओं को अपने जीवन से निकाल देना। ये है शरणागति के 6 पड़ाव। तो उसमें से हम आज शरणागति का जो पांचवा पड़ाव है, भक्ति की अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना या क्रियाओं को अपनाना, उस भाग में से एक भक्ति गीत जो भक्ति विनोद ठाकुर ने रचना की है उसको हम गाएंगे, और उसके बाद उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं एक एक लाइन जो है, मैं एक एक स्टैंजा गाऊंगी, मेरे साथ गाइए, और उसके बाद मैं इसका मतलब बताऊंगी। शुद्ध भगत चरण रेणु भजनानुकूला, शुद्ध भगत चरण रेणु भजनानुकूला, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलति करमूला, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलति करमूला, शुद्ध भगत चरण रेणु भजनानु कूला, शुद्ध भगत चरण रेणु भजनानुकूला। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, जो शुद्ध भक्त है उनके चरण की जो रेणु है, जो माटी है, अगर हम सिर पे धारण करते हैं तो वो हमारे भजन के अनुकूल है। भजन के अनुकूल मतलब क्या, भजन मतलब क्या, ये पहले समझना बहुत ज़रूरी है। भजन मतलब क्या, जो हम कर रहे हैं ना माता जी, अभी हम लोग भजन गा रहे हैं ना, नहीं, ये इस भजन की बात नहीं हो रही है। जब भजन के पास में एस लगा देंगे तो भजन, जैसे हम लोग भजन कर रहे हैं, अभी हम लोग ये भजन गा रहे हैं, लेकिन भजन का दूसरा मतलब ये भी है भक्ति करना, उसको भी भजन करना कहते हैं। जैसे कभी कभी आप देखो भक्त लोग पूछेंगे कैसे चल रहा है आपका भजन, ठीक चल रहा है भजन, ठीक चल रहा है मतलब ये नहीं कि आप भजन गा रहे हैं क्या, भजन ठीक चल रहा है मतलब सब ठीक है ना, भक्ति में जप वप हो रहा है ना, सब ठीक चल रहा है ना, उसको बोलते हैं भजन ठीक चल रहा है ना आपका। भजन करना मतलब क्या, भजना, भजना मतलब क्या, भगवान को भजना।
तो जब आप भगवान को भज रहे हो उसका मतलब आप भजन कर रहे हो। तो भगवान को तो आप तभी भी भज रहे हो जब आप प्रसाद ऑफरिंग करते हो, भगवान को तो आप तभी भी भज रहे हो जब आप आरती कीर्तन करते हो, भगवान को तो आप तभी भी जप रहे हो जब भज रहे हो जब आप भगवान की सेवा करते हो। उसका मतलब आप जो भक्ति युक्त सेवा करते हैं उसको बोलते हैं भजन करना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। आपका जो ये भजन का प्रोसेस है, ये जो भक्ति करने का प्रोसेस है, अगर आप कोई शुद्ध भक्त की चरण की रेणु आपके सिर पे लेंगे तो आपका ये भजन अनुकूल होगा। मतलब वो आपके भजन के अनुकूल है, मतलब आपके भजन को वो प्रोत्साहन देगा। तो अब हम ये सोच सकते हैं प्रैक्टिकल स्तर में, कैसे हम भक्त की चरण के रेणु सिर में लेंगे तो कैसे वो हमारी भक्ति को प्रोत्साहन देगा। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बताना चाह रहे हैं कि ये जो भजन करना है ये केवल एक क्रिया नहीं है। भजन हम तभी कर सकते हैं जब भजन में भाव हो। जब भजन हम मन दे के करें तभी भजन हो सकता है। अगर हम भजन को एक क्रिया के रूप में करें तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। अगर आप भजन को केवल एक क्रिया मानते हो, माने मंदिर में आना, बैठना, प्रवचन सुनना, आरती में पार्टिसिपेट करना, प्रसाद लेना, तो ये तो बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है, इसमें बड़ी बात क्या है। आप किसी को भी बोलो, देखो आप आओ खड़े रहो मंदिर में, ठीक है खड़े रहेंगे, प्रसाद लो ठीक है लेंगे, बैठो थोड़ा देर, कुछ ये लोग बोलेंगे सुनो तो चले, लेकिन वो करेंगे। लेकिन अगर वो भाव से नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। थोड़े दिन के बाद वो बोर हो जाएंगे, थोड़े दिन के बाद और आने का दिल नहीं करेगा। आप खुद भी देख रहे होंगे कि मंदिर में भी ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ भक्त आते हैं थोड़ा दिन के लिए, उसके बाद नहीं आते हैं। तब हमें लगता है वो क्यों नहीं आते हैं, हम तो नहीं रह सकते मंदिर में आए बिना, वो कैसे रह पाते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति भाव से नहीं की, क्रिया के रूप में किया, तो इसलिए वो ज़्यादा दिन नहीं टिक रहा है। भक्ति ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी अगर आप भाव से नहीं करोगे। अच्छा बहुत अच्छा, भक्ति के लिए भाव चाहिए, समझ में आ गया माताजी। तो भाव कहाँ से खरीद के लाए, कराची वाला डिपार्टमेंटल स्टोर में तो नहीं बिकता है ना, 1 kg भाव दे दो, लाए कहाँ से भाव। तो इसलिए तो बोले शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। तुमको अगर भाव चाहिए तो ले लो, कोई है जो वो भाव को देता है, वो कौन है, भक्त है। जो भगवान का भक्त है वो भक्ति का भाव दे रहा है। कैसे ले, उससे मांगे कैसे कि हमको भक्ति दे दो। यहाँ बोल रहे जाके उसके चरण का रेणु ले लो। उसके चरण का रेणु आपके सिर पे जब धारण करोगे तब क्या होगा, उसकी जो भक्ति है उसके हृदय से आपके पास ट्रांसफर हो जाएगी। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है। आप जाइए किसी भक्त के पास और प्रैक्टिकली आप उसको प्रणाम करिए, उसके चरण का रज लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, जब आप प्रणाम करते हो तो वो भक्त आपके तरफ देखेगा। जब एक शुद्ध भक्त आपके तरफ देखता है, उनकी जो चक्षु हम पे पड़ती है उसमें ही हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। और जब वो आपके तरफ कृपा दिखाएगा, क्योंकि आप इतने विनयी भाव से जो प्रणाम कर रहे हो, साधारण कोई भी जीव, अगर आप किसी को भी प्रणाम करो, आपके मम्मी डैडी भी अगर आपके ऊपर ज़्यादा गुस्सा है, आप जाके एक बार प्रणाम करो, सारे गुस्सा भूल जाएंगे। तो शुद्ध भक्त का तो बात ही कुछ और है, उसको तो ऐसे भी सब पे करुणा आती है, प्रणाम करो या ना करो, प्रणाम कर लो तो फिर तो क्या बात है। तो आप जाके जब प्रणाम करते हो तब क्या होता है, वो आपके तरफ देखते हैं, आपके तरफ जो उनकी करुणा, तो भक्त की करुणा क्या है, वो उसकी जो भक्ति है, वो जिस तरह से कृष्ण के ऊपर आकर्षित है, वो आकर्षण उनके हृदय से आपके हृदय में वे देते हैं। वो आपको टेस्ट देते हैं, रुचि देते हैं, कि भगवान की भक्ति में रुचि आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब रोगी है ना। प्रभुपाद जी अक्सर ये एग्जाम्पल देते हैं ना कि जिसको जॉन्डिस होता है उसको शुगर केन का जूस भी कड़वा लगता है, हालांकि शुगर केन का जूस बहुत मीठा होता है, क्योंकि उसको जॉन्डिस है, उसको लगता है ये कड़वा है। तो हम सब तो रोगी है ना, हमें तो अच्छा ही नहीं लगता भक्ति जीवन। लेकिन श्रील प्रभुपाद जैसे कभी कोई शुद्ध भक्त के हम कांटेक्ट में आते हैं और वो जब उनकी भक्ति हमें प्रसाद देते हैं तब हमें अच्छा लगता है, तब हमें भक्ति करना अच्छा लगता है।
इसीलिए यहाँ पे बोला है शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, हमारे भजन के अनुकूल है। अच्छा तो क्या करें, पूरा दिन बैठे रहे, शुद्ध भक्त जो आता है उसका चरण रेणु लेते रहे? नहीं, उसके बाद भी कुछ करना है। सेकंड स्टेप बताया है, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूला। भक्त की सेवा करो। क्यों करें सेवा? क्योंकि भक्त की सेवा करना ही परम सिद्धि है। अरे ये क्या बात हो गई, हमने तो सोचा कि जीवन में परम सिद्धि है कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, यहाँ पे बोले भक्त की सेवा करना परम सिद्धि है। उसको क्लैरिफाई करते हुए नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं प्रेम लति कर मूला। अगर आप भक्त की सेवा करेंगे तो क्या होगा, भक्त का जो ये कृपा आपको मिलेगा, भक्त की जो कृपा है वो कैसा है, मूल है, जड़ है। जिस तरह से कोई वृक्ष होता है उसका एक जड़ होता है ना, जिसमें हम पानी डालते हैं, और जड़ से ही सब कुछ आता है, वृक्ष का पूरा पोषण जड़ से होता है। अगर आप पत्ते में पानी डालो तो पत्ता विकसित नहीं होगा, जड़ में पानी डालो तो पत्ता विकसित होता है। उस तरह से हमें डायरेक्टली कृष्ण प्रेम चाहिए तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा, वो जड़ से, जड़ में पानी डालना है। वो जड़ क्या है, भक्तों की सेवा करना। जब हम भक्त की सेवा करते हैं, जब हम वो भक्त को जो सेवा करते हैं पानी डालते हैं, तब क्या होता है, प्रेम लति कर मूला, क्योंकि वो प्रेम के लता के मूल है भक्त। भक्त हमें भक्ति दे सकते हैं, इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं। जिस तरह से एक जड़ से प्रेम की लता निकल सकती है, उस तरह से भक्त की सेवा करने से कृष्ण प्रेम मिलता है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने दूसरे एक भजन में कहते हैं ना, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शक्ति आचे, अमी तो कंगाला कृष्ण कृष्णा बोली दैतव पाछे पाछे। बोलते हैं कि ओहे वैष्णव ठाकुर, कृष्ण से तुमार, कृष्ण तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, अब जिसकी प्रॉपर्टी है उससे ही मांगेंगे ना, जो चीज़ जिसकी है वो ही दे सकता है ना, हम तो किसी की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं ना। तो बोलते हैं कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पारो, तुम कृष्ण को दे सकते हो क्योंकि कृष्ण तुम्हारा है। अमी तो कंगाला, मैं तो कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मैं कृष्ण कृष्ण बोल के तुम्हारे पीछे 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 चल रहा हूँ, दे दो दे दो दे दो, थोड़ा सा कृष्ण प्रेम दे दो। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन में कहते हैं कि कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पारो तुम्हारा सकती आच है, तुम दे सकते हो। भक्त हमें भगवान की भक्ति दे सकता है। मैंने एक बार पहले भी ये कहानी आपको बताई थी, कैसे श्री रंगम में एक दिन रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ चल के जा रहे थे भगवान का दर्शन करने के लिए। रास्ता में उन्होंने देखा कि एक आदमी धनुर्दास के नाम से अपनी पत्नी के सिर पे छतरी लेके चल रहा था, और बहुत ही अजीब तरह से चल रहा था। अगर छतरी लेके चल भी रहा है तो पीछे चल सकता था, लेकिन वो आगे आगे चल रहा था, वो भी उल्टा करके इस तरह से चल रहा था कि वो अपनी पत्नी का मुँह देख सके, और छतरी को ऐसे लेके चल रहा था। तो रामानुजाचार्य ने पूछा कि इतना अजीब तरह से क्यों चल रहा है? तो उनके शिष्यों ने जाके उसको पूछा कि भैया तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, सीधे चलो ना जैसे सब लोग चलते हैं। तो उसने बहुत सुंदर बात बोली, धनुर्दास ने बोला कि मुझे मेरी पत्नी पे बहुत ज़्यादा आसक्ति है, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, और सबसे ज़्यादा सुंदर है उसकी आँखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि दो मिनट के लिए भी उसकी आँखें देखे बिना मैं नहीं रह सकता, तो मैं पीछे अगर चलूंगा तो मैं उसको देख नहीं पाऊंगा, तो सामने चलते चलते तो मैं उसको देख पाऊंगा। तो सारे सोचा ये तो गया काम से, पागल है, जाके बोला गुरुजी वो पागल है, वो उसका छोड़िए बात। नहीं नहीं वो क्या बोला, बोला ऐसे बोल रहा है उसके पत्नी के ऊपर बहुत ज़्यादा आकर्षण है। तो रामानुजाचार्य ने बोला उसको बुलाओ, मैं उससे बात करूँगा। बोले किस लिए बुलाए गुरुजी, वो बेकार का इतना इतना भौतिक विषयों में जो निमग्न है ऐसे नहीं, तुम उसको बुलाओ एक बार, उसको लेके आए। फिर रामानुजाचार्य ने उसे पूछा, भैया तुम तुम्हारी पत्नी पे इतना आसक्ति क्यों कर रहे हो? बोला आपको पता नहीं है, बहुत सुंदर, उसकी आंखें तो इतनी सुंदर है। तो रामानुजाचार्य ने बोला इससे भी बहुत लोग हैं जिसकी आंखें और भी सुंदर है। इसने बोला मैं नहीं मानता। बोलता ठीक है तुम नहीं मानते तो आओ कल सुबह,
मैं तुमको ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूँ जिसकी आंखें तुम्हारी पत्नी से भी बहुत ज़्यादा हजार गुना सुंदर है। उसने बोला, अच्छा मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर मेरी पत्नी की आंखों से भी सुंदर किसी की आंख है तो मैं उसका दास बन जाऊंगा जीवन भर। रामानुचार्य बोले, ठीक है कल सुबह जल्दी आ जाना। अब ये रात भर सोच रहा है, इतनी जल्दी सुबह किसके पास ले जाएंगे, और कोई कितना भी सुंदर हो सुबह तो कोई सुंदर नहीं लगता। जब नींद से उठता है तो सुंदर लोग भी जो है राक्षसी जैसे ही लगते हैं देखने में, अनलेस एंड अनटिल कोई ठीक से मेकअप करके ठीक रहे। कौन होगा इतना सुबह भी सुंदर लगता होगा। सुबह सुबह पूरा रात सो नहीं पाया, तो सुबह गया रामानुजाचार्य के पास, चलिए चलिए जल्दी चलिए, कहाँ दिखाएंगे मुझे। रामानुजाचार्य बोले, चलो चलते हैं। कहाँ लेके गए? रंगनाथ जी के मंदिर में लेके गए। और फिर रामानुजाचार्य ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा और उसको गर्भगृह के अंदर लेके गए और उसको रंगनाथ जी को दिखाया, बोला देखो ये रंगनाथ जी की आंखें देखो। अब जैसे उसने रंगनाथ जी की आंखें देखी, उसकी आंखों में से पानी, एकदम रोने लगा बच्चे जैसा, बोला इतना सुंदर भी क्या कोई हो सकता है, मैं अब जीवन भर से रंगनाथ जी का दास बनूंगा। और वो आगे चल के रामानुजाचार्य का बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य बना। अब ये बात जब मैंने पहली बार सुनी थी, मेरे मन में घर कर गई थी कि अच्छा रंगनाथ जी की आंखें इतनी सुंदर है क्या। और मैं जब कुछ साल पहले श्रीरंगम गई थी, तो सबसे पहले जब मैं गई रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए, मैं सबसे पहले उनकी आंख ही देख रही थी। इतनी सुंदर आंखें, मतलब मैंने सुना है जब, कहीं नहीं देखा, ना पैरों में देखा ना उनका शरीर देखा, बस उनकी आंखें देखते रहे। और सच कहूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे लगा उतना क्या है इसमें आकर्षण, ठीक है आंखें है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भगवान तो प्यारे ही है, भगवान तो सुंदर ही है, बट उतना ठीक है, अच्छे लग रहा है, आंखें सुंदर है, पर इतना मुझे नहीं लगा जितना रामानुजाचार्य ने बताया। और तब तक जो है टाइम हो गया, बोले चलो 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 नेक्स्ट नेक्स्ट, आपको तो पता है वहाँ दर्शन करने की कितनी लाइन होती है। जब मुझे बाहर निकाला तब मुझे लगा, अरे मैंने तो भगवान का ठीक से दर्शन ही नहीं किया। भगवान का दर्शन करने का तरीका होता है पहले उनके पाद पद्म का दर्शन करो फिर ऊपर। मैं बस शुरू से सोच रही थी आंखें देखूंगी आंखें देखूंगी आंखें देखूंगी। अब जब बाहर आ गई तब मेरा मुंह बहुत छोटा हो गया, अरे दर्शन तो ठीक से हुआ नहीं। अब भगवान की कृपा से वहाँ कोई वैष्णव खड़ा था, उनके जो पुजारी है उन्होंने मुझे देख के बोला, आप फिर जाइए दर्शन करिए, दूसरा बात कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लगी, फिर इस बार मैंने जो है आंखों की तरफ नहीं देखा, मैंने पूरा पूरा जो है भगवान का दर्शन किया, प्रार्थना की जो करना था, मैं बाहर आ गई। अब रास्ते भर में सोचती रही मुझे क्यों आंखों की तरफ आकर्षण नहीं हुआ, तो तब मेरी समझ में आई कि मेरे डायरेक्टली आंख देखने से क्या होगा, वो तो रामानुज जैसा कोई संत अगर हाथ पकड़ के दिखाए आंखें तब तो होगा, तब पता चलेगी वो आंखों की सुंदरता क्या है। हमें तो पीतल की मूर्ति दिखती है, हमें क्या दिखेगा आकर्षण। तब मुझे लगा कि भगवान का तो दर्शन जब करना हो तो किसी संत के साथ करना चाहिए, किसी साधु के साथ करना चाहिए। अगर हम अकेले में एकांत में भगवान का दर्शन करें, हम शायद सोचे उसमें क्या नई अलग बात है, मैंने भी दर्शन किया, पर हम जो दर्शन करते हैं वो अलग है। और जब किसी साधु के साथ, हम किसी साधु जन के साथ जब दर्शन करते हैं, तो यहाँ पे ये लाइन प्रूव हो गई ना, क्योंकि वो अपने हृदय की भक्ति हमें, हमारे हृदय में ट्रांसफर करते हैं, तब हर चीज़ हमें सटीक दिखाई देती है जैसी दिखाई देनी चाहिए। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ो, आप पल पल देखोगे कि हर एक भक्त जिसको कृष्ण मिला, बीच में किसी साधु की कृपा थी। बिना साधु की कृपा भगवान नहीं मिल सकते, आप लिख लो कहीं, ये नहीं हो सकता पॉसिबल। आप देखो ध्रुव महाराज, भगवान मिले कैसे? नारद मुनि की कृपा से। आप देखो प्रहलाद महाराज, भगवान मिले कैसे? नारद मुनि की कृपा से। प्रहलाद जब कयाधु के गर्भ में थे तब उन्होंने सुना था, नारद मुनि उनके गुरु है। आप देखो वेदव्यास, उन्होंने भागवत लिखा कैसे? नारद मुनि की कृपा से। आप किसी भी भक्त के जीवन में देखो, उनको अगर भगवान मिले हैं
तो कोई है बीच में साधु जो उनको भगवान को मिलाता है। अभी हम पिछले दो दिन से मॉर्निंग वॉक में उषा और अनिरुद्ध की कथा सुन रहे हैं, तो उसमें एक वृत्तांत आता है कैसे चित्रलेखा जाती है द्वारका अनिरुद्ध को लाने के लिए, लेकिन उतनी उसमें मायावी शक्ति है फिर भी वो द्वारका के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। नारद मुनि उसे मदद करते हैं फिर वो अंदर जा पाती है। तो हमारी कितनी भी शक्ति हो, चित्रलेखा में तो कितनी शक्ति थी, एकदम वो हर एक प्रकार का जो मैजिक वो जानती थी, फिर भी वो नहीं जा पाई द्वारका में। भगवान के अंतपुर में अगर आप जाना चाहते हो, भक्त की कृपा ना हो तो नहीं होगा। नारद मुनि जाते हैं और फिर वो उसे मार्ग बताते हैं, तब जाके वो अंदर जा पाती है। तो भक्ति जीवन में तो पदे पदे हमें भक्त की कृपा चाहिए, बिना भक्त की कृपा जो है भगवान नहीं मिलता। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि संतों की सेवा करने से हमें भगवान की विशेष कृपा मिलती है। संत की सेवा करना, रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे रामदास, उनकी सेवा थी रामानुजाचार्य के कपड़े धोना, उनका जो यज्ञ करते हैं ना, वो यज्ञ के लिए लकड़ियाँ लेके आना, घी वगैरह जो सामान अरेंज करना, बस यही उसका काम था। बड़ा ही सरल भक्त था, कोई ज्ञान नहीं था, रोज भजन करता, नदी के किनारे जाता, रामानुजाचार्य के कपड़े धोता, आनंद से आता, यही उसका काम था। और रामानुजाचार्य क्या करते थे, दोपहर के टाइम पे शिष्यों को, 300 से ज़्यादा शिष्यों को सबको बिठा के जो है तत्व ज्ञान के बारे में बताते थे, बहुत ही कठिन तत्व ज्ञान, एकदम संस्कृत पूरा, इतना मतलब समझने में इतना मुश्किल लगता था, रोज़ का ये रूटीन था। और जब वे दोपहर को ये तत्व ज्ञान का प्रवचन देते थे शिष्यों को, तब वो जो रामदास था वो नदी के किनारे जो है बैठ के कपड़े धोता था। एक दिन रामानुजाचार्य के शिष्य आए, बोले गुरुजी सब बैठ गए हैं प्रवचन के लिए, आप आइए। रामानुजाचार्य बोला, रामदास कहाँ है? रामदास कहाँ है, वही कपड़ा धो रहा होगा। नहीं नहीं, उसको बुलाओ क्लास में, उसको बोलो बैठने के लिए। तो शिष्य लोग ने बोला, गुरुजी उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हम बुला तो देंगे पर वो बैठ के करेगा क्या, उसको तो संस्कृत का एक शब्द भी समझ में नहीं आता। तो रामानुजाचार्य बोला, नहीं आज तो क्लास तभी होगा जब वो आके बैठेगा। शिष्य लोग बोले ठीक है, तो गए उसके पास, वो ढूंढे कहाँ है क्या, कुछ ना कुछ काम करता रहता है, तो देखा कपड़ा धो रहा है। बोला, ये रामदास चलो आज तुमको गुरुजी बुलाए हैं, तुमको प्रवचन में बैठना है। बोला, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं आके क्या करूँगा प्रवचन में बैठ के, मेरे को काखा गगा भी समझ में नहीं आता है क्या बोलते हैं, मैं यही ठीक हूँ। नहीं नहीं, गुरुजी बोला तुमको आने के लिए। बोला ठीक है, अभी गुरुजी बोला तो मैं आता हूँ। फटाफट से कपड़े वपड़े बदले, सब ठीक करे, आगे जाके बैठ गया। अब गुरुजी के पास सब गए, बोले गुरुजी रामदास आ गया, चलिए प्रवचन शुरू करते हैं, टाइम हो गया। रामानुजाचार्य आ गए, सब बैठे हुए हैं। फिर रामानुजाचार्य ने बोला, अच्छा रामदास कहाँ है? ये तो रामदास, अच्छा आज का प्रवचन रामदास देगा। अब सबको और भी हंसी आ रही है, आज का प्रवचन रामदास देगा, प्रवचन रामदास को समझ में आएगा कि नहीं, वही हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो प्रवचन देगा। बोला आज तो वही प्रवचन देगा। तो रामदास आया, उठ के खड़ा रहा, बोला गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या बोलूँगा? तुम्हें जो आता है वो बोलो, आज का प्रवचन तुम दोगे। ठीक है, रामदास गुरु के ऊपर में विश्वास था, आँख बंद किया, शुरू कर दिया। हाँ, ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधव। शुरू किया क्लास और इतना सुंदर प्रवचन दिया उसने और इतनी कठिन कठिन बातें समझाई कि ये 300 शिष्यों को समझ में नहीं आ रहा था। बोले ये क्या बोल रहा है, इतना हाई फाई संस्कृत, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और सब एकदम स्तब्ध रह गए, सब मुंह खुला करके बैठे हुए कि रामदास बोल रहा है, वो तो कपड़ा धोता, उसको तो कुछ भी नहीं आता था, इतना सुंदर प्रवचन दिया। और उसके प्रवचन खत्म होने के बाद में फिर रामानुजाचार्य बोलते हैं, हाँ कि देखिए गुरु की सेवा करने का ये है महत्व। तो ये है इस
श्लोक का मतलब भी ये है, मुखम करोति वाचालम, जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है अगर वो गूंगा भी हो तो बड़ी बड़ी प्रवचन देना शुरू कर देगा, अगर वो लंगड़ा हो तो गिरी पर्वत को पार कर लेगा आसानी से, लेकिन क्या है उसका क्वालिफिकेशन? गुरु कृपा। यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणम, गुरु की कृपा, अगर गुरु की कृपा हो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जब गुरु कोई सेवा देते हैं तब उसको बहुत ही सीरियसनेस से हमें फॉलो करना है, क्योंकि ये कोई भौतिक चीज़ नहीं है। अब रामानुजाचार्य ने जब इसको बोला कि तुम बोलो, कहाँ से आई शक्ति, जो इसने किया था ना, भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त का जो सेवा किया था उसने, उससे इसके ऊपर में जो है कृपा आई है। तो इसीलिए हमें हमेशा आतुर रहना चाहिए भक्त की सेवा करना, गुरु की सेवा करना। रामानुजाचार्य के एक शिष्य हुए थे अनंताचार्य, उन दिनों में बालाजी की सेवा करने के लिए फूल की ज़रूरत थी। तो फूल अब जैसे मार्केट में मिलता है वैसा तो नहीं था, फूल चाहिए तो आपको खुद आपका जो बाग बगीचा बनाना पड़ेगा, उसमें से फूल लेने पड़ेंगे। तो अब नीचे से अगर आप बालाजी का जो मंदिर है, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, वो तो पहाड़ के ऊपर है, अगर आपको रोज़ नीचे से फूल ले जाना पड़े तो बहुत समय लगेगा। तो रामानुजाचार्य ने उनके शिष्यों को बोला, देखो ऐसे करो, तुम में से कोई जो है पहाड़ के ऊपर ही छोटा सा बगीचा बना दो, वहाँ पे अच्छे फूल उगेंगे, भगवान की माला बना सकते हैं। लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि उन सबको डर लग रहा था, क्योंकि उन दिनों में जो तिरुपति का जो पहाड़ है वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर होते थे, कोई गाड़ियाँ नहीं जाती थी, बहुत कष्ट होता था, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो कोई जाना नहीं चाह रहा था। अनंत आचार्य पीछे बैठे थे तो उन्होंने हाथ उठाया, बोला मैं जाऊंगा गुरुजी, मैं करूंगा, मैं वहाँ पे अच्छा बगीचा बनाऊंगा। तो अनंत आचार्य वहाँ सुंदर बगीचा बनाते हैं और रोज़ वहाँ पे जो है भगवान के लिए फूल की माला बनाते हैं। अब बगीचा बनाना तो इतना आसान नहीं है ना, उन दिनों में आपके पास कोई ट्रैक्टर्स वगैरह तो है नहीं, आपको बहुत मेहनत से हर चीज़ करनी पड़ती है, और बगीचा में पानी देना। तो अनंत आचार्य की जो पत्नी थी वो दोनों मिलके करते थे, वो पानी लेके आती थी और ये माटी को सींचते थे और धीरे धीरे क्यारियाँ बना के जो है बगीचा बनाते थे। अब कुछ दिनों के बाद अनंत आचार्य की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, लेकिन गर्भवती होने के बावजूद भी वो सेवा में कभी पीछे नहीं हटती थी। तो वो जो है पानी को मतलब उठा के इतना दूर ले जाना करना सब काम करती थी। एक बार बालाजी ने देखा, ठाकुर जी ने देखा तो उसको दया आ गई, तो उन्होंने क्या किया, एक छोटे बच्चे के रूप में गए और इसको गर्भवती स्त्री जो अनंत आचार्य की जो पत्नी है उनको बोला कि मैया मैं थोड़ा मदद कर दूँ, मुझे दे दीजिए, मैं हेल्प करता हूँ। तो इसने कहा कि मैं तुम्हें दे तो सकती हूँ, बट मेरे पति जो वहाँ देख रहे हो ना दूर से, वो डांट देंगे, तो उसके डर से मुझे है देने में डर लग रहा है, एक काम करो तुम उनसे जाके पूछो, अगर वो मान जाए तो मैं दे दूँगी। भगवान गए, अनंत आचार्य से पूछा कि देखो मैं तुम्हारी थोड़ा मदद कर दूँ, तुम ये बगीचा बना रहे हो। तो अनंत आचार्य ने बहुत अच्छे से बोला कि देखो भैया, ये सेवा मुझे मेरे गुरु ने दी है, तो मैं किसी के साथ डिवाइड नहीं करना चाहता, मैं खुद करूँगा, तुम कोई और सेवा ले लो। तो ठाकुर जी बोला ठीक है। थोड़े दिन के बाद फिर आए, क्योंकि इसकी जो पीड़ा है वो भगवान देख नहीं पा रहे, इतनी मुश्किल से दोनों काम कर रहे। भगवान फिर इसके पास आए, बोला मैं थोड़ा मदद कर दूँ, मैं पकड़ लेता हूँ। इसने फिर बोला मेरे पति डांटेंगे, बोला नहीं वो नहीं देख रहे हैं ना, मैं थोड़ा यहाँ से यहाँ रख देता हूँ, आपको इतना कष्ट हो रहा है। तो बोला ठीक है रख दो। जैसे ही ठाकुर जी ने लिया हाथ में उसको रखने के लिए, अनंत आचार्य ने दूर से देखा और उसको जो गुस्सा आया और भगवान के पीछे भागे, बोला ये बच्चे तुमको कितना बार बोला, यहाँ मत आओ, कितना बार बताया, मेरे गुरु ने ये सेवा मुझे दी है, मैं नहीं देना चाहता हूँ तुमको, हम दोनों मिलके करेंगे, मैं नहीं शेयर करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो। तो भगवान तो मान नहीं रहे, वो अभी भी जो है पॉट लेके चलते जा रहे हैं, तुमको सुना ही नहीं दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे तुम तो ऐसे मानोगे नहीं, तुमको एक उल्टे हाथ की देने पड़ेगी तभी तुम सीधा होगे। हाथ में कुल्हाड़ी थी, लोह दंड था और दे मारा एकदम जोर से, डराने के लिए कि भागो यहाँ से नहीं तो मारूंगा। अब जैसे ही उसके ऊपर में फेंका भगवान के ऊपर में, भगवान भी भाग रहे थे डर के मारे कि अब तो मेरे को ये मारेंगे, भागो यहाँ से। अब जब गए टर्न हो के, तब यहाँ पे क्या है वो कुल्हाड़ी जो है लग गई भगवान को। अब दूसरे दिन सुबह जब अनंत आचार्य गए भगवान को माला पहनाने के लिए, तो देखते कि यहाँ से तो पूरा खून निकल रहा है भगवान को। फिर वो समझ गए कि अच्छा ये तो ठाकुर जी थे जो आए थे सेवा
लेने के लिए। और फिर जो है भगवान को यहाँ पे चंदन लगा दिया। तो अभी भी आप जाओ बालाजी का दर्शन करने के लिए तो आप देख सकते हो अनंत तलवार का जो लोहदंड है, जो कुल्हाड़ी है, और इसीलिए अभी भी जो भगवान को यहाँ पे हमेशा चंदन लगाते हैं। तो इनका भाव देखिए, गुरु ने ये सेवा मुझे दी है, मुझे करना है। हमारा भाव उल्टा होता है, गुरु ने ये सेवा मुझे दी है, मैं किसको दे दूँ ये सेवा, मुझे छुट्टी मिले, मैं नहीं कर, तुम करोगे क्या, तुम करोगे क्या, तुम, ये हमारा भाव है। और ये अनंत आचार्य का भाव, मैं क्यों दूँ, मेरे गुरु ने दी है, ये मेरी सेवा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं करूँगा। और गुरु की बोली हुई हर बात को कितना महत्व। अनंत आचार्य एक दिन भगवान के लिए माला बना रहे थे, और ठाकुर जी तो अनंत आचार्य को बहुत प्यार करते हैं, तो पुजारी जब पूजा कर रहा है तो ठाकुर जी ने बोला एक काम करो ना, अनंत आचार्य को बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। पुजारी गया, अनंत आचार्य को बोला तुमको भगवान बुला रहे हैं। बोला उनको बोलो 10 मिनट के बाद आऊँगा, मैं काम में हूँ। पुजारी ने गया, बोला वो 10 मिनट के बाद आएगा, वो अभी बिजी है। अनंत आचार्य जो है माला बना के 10 मिनट के बाद जाते हैं ठाकुर जी को माला देने के लिए। अब ठाकुर जी इतना गुस्से में, बोला तुम मुझे बोला ऐसा 10 मिनट के बाद आओगे, मैं तुमको बुला रहा हूँ, ये माला किसके लिए बनाया, आपके लिए, मेरे लिए बनाया ना, तो जब मैं बुलाऊँगा तो तुम नहीं आओगे, 10 मिनट के बाद आओगे, तुम्हारा बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया है, ना मुझे तुम्हारी सेवा लेनी है, ना मुझे तुम्हारी माला चाहिए, इनफैक्ट तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा मुँह भी नहीं देखना चाहता, तो तुम जाओ यहाँ से, खाली करो, जगह खाली करो, मैं किसी और से सेवा ले लूँगा। तब अनंत आचार्य बोलते हैं कि तुम कौन हो मुझे यहाँ से भगाने के लिए, तुम भी वराह देव के जमीन पे खड़े हो और उनको किराए देते हो, और मैं भी यहाँ किराएदार हूँ, तो एक किराएदार दूसरे किराएदार को नहीं निकाल सकता है, तुम मालिक तो नहीं हो ना, मैं क्यों जाऊँगा यहाँ से, तुम्हारी बात मैं क्यों सुनूंगा। तब भगवान बोले अनंत आचार्य को, मैंने इतनी छोटी सी बात बोली, तुम मुझे इतना बात सुना दिया, कहाँ है तुम्हारी माला, दे दो मैं पहन लेता हूँ, दे दो माला, दे दो। अब भगवान पहन लिए माला। फिर भगवान बोले, अरे तुम जरा माइंड नहीं करो तो, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, तुम क्यों देरी से आए, मैं जब तुमको बुलाया तुमसे बात करना चाहता था। तब अनंत आचार्य हंस के बोले, देखिए ठाकुर जी, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था कि जब भी तुम फूल तोड़ोगे, पौधों से जो फूल निकालोगे, तब फूल जो कली के रूप में होता है ना, बंद कली, तभी का तभी जो है माला बना देना चाहिए, क्योंकि एक बार जब वो फूल का विकास हो जाता है, वो विकसित हो जाते हैं, फिर वो मुरझा जाते हैं, और ऐसे फूल भगवान को नहीं चढ़ाने चाहिए। तो भगवान को जब चढ़ाते हो, साथ ही साथ में ये जो बंद फूल अगर आप चढ़ा दोगे, तो भगवान के शरीर को चढ़ने के बाद में वो विकसित होंगे तो सुंदर लगते हैं। क्योंकि मेरे गुरु ने ये आदेश दिया था, इसलिए मैं देरी से आया। अब इसका भाव देखिए, भगवान से पहले गुरु का आदेश, गुरु ने क्या बोला, पहले वो करना है। ये सब हम चरित्र में देख रहे हैं, हमारी ही संप्रदाय के भजन में है ये, और कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है, हर संप्रदाय में ये इम्पोर्टेंट है। भक्त सेवा, भक्त जो बोलते हैं, जो सेवा हमें देते हैं, वो हमें करना है। सेवा भी दो प्रकार की है, वापु सेवा है, वाणी सेवा है। वापू सेवा है पर्सनल सेवा करना, जैसे गुरु के कपड़े धोना, जैसे रामदास कर रहा था, रामानुजाचार्य का, कपड़े धो, उनको लिए खाना प्रसाद बनाओ, ये उनकी पर्सनल सेवा है। और कुछ है वाणी सेवा, वो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो पालन करना। अब वापू सेवा और वाणी सेवा में से वापू सेवा को श्रेष्ठ माना जाता है, गुरु की पर्सनल सेवा करना। लेकिन वापू सेवा सबसे डेंजरस सेवा भी मानी जाती है, क्योंकि वापू सेवा में अपराध करने के मौके ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि आप गुरु से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हो, तो कभी कभी आप अपराध कर देते हो। वाणी सेवा में अपराध होने का चांस ही नहीं है, लेकिन वापू सेवा में अपराध हो सकता है। और अगर आप अपराध करोगे तो क्या होगा, आपका पतन हो जाएगा। देखो, अगर आप गुरु की पर्सनल सेवा करोगे, वापू सेवा, और सिंसियरली करोगे, तो आपका प्रोग्रेस भी बहुत स्पीड में होगा। बाकी वाणी सेवा करने वाले ट्रेन में आएंगे तो आप फ्लाइट में जाएंगे, लेकिन फ्लाइट से जब गिरते हो तो बहुत धमाल से गिरोगे, एकदम ऊपर से नीचे गिरोगे। ट्रेन में जब चलते हो तो थोड़ा सा गिरोगे, फ्लाइट से गिरोगे तो सीधा नीचे। तो वापू सेवा का ये भी डेंजर है,
गलती किया, मतलब सीधा पतन। इसलिए आप देखिए बहुत सारे श्रील प्रभुपाद के शिष्य, श्रील प्रभुपाद के पर्सनल सेक्रेटरीज, जिन्होंने दिन रात प्रभुपाद की सेवा की, उनका पतन हो गया बहुत सारे लोगों का। हाँ, जिन्होंने पर्सनली प्रभुपाद जी का सेवा किया उसमें से ऐसे कई लोग हैं, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जनरल स्टेटमेंट नहीं है, बट ऐसे बहुत लोग हैं जो भक्ति जीवन से दूर हो गए। तो हमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोई शुद्ध भक्त के साथ 24 घंटा रहे, उसकी सेवा करे, फिर भी उसका पतन हो जाए, ये कैसे हो सकता है? क्यों होता है पतन? क्योंकि सेवा करने का भाव ठीक नहीं है। यहाँ पे वो शिष्य का भाव कैसा है जब वो सेवा करता है? उसका आंतरिक भाव ये है, माई गुरु नीड्स मी, आई एम हेल्पिंग माई गुरु। समझ में आया भाव? भाव कैसा है? मेरे गुरु को मेरी ज़रूरत है, मैं मदद कर रहा हूँ, मैं कितना हेल्प कर रहा हूँ, थक गए, मेरी मदद, मेरे बिना नहीं कर पाएंगे कुछ भी, मैं नहीं हूँ तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है, हर चीज़ मेरे पे डिपेंड है, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। हे, बहुत बहुत डेंजरस भाव है। जिस दिन ऐसा भाव आ गया, मैं मेरे गुरु की मदद कर रहा हूँ, मैं हेल्प कर रहा हूँ, खत्म, भक्ति जीवन में सीधा नीचे गिरना, आपका काउंटडाउन शुरू। भाव होना चाहिए सेवा देके मेरे गुरु मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे सेवा देके मेरी मदद कर रहे हैं। अगर सेवा नहीं देंगे तो मेरा मन यहाँ वहाँ चला जाएगा भौतिक विषयों में, मेरे गुरु कितने कृपामय है, मुझे सेवा देके मेरे मन को बांध रहे हैं। जिस तरह से एक घुड़सवार अपने घोड़े को बांधता है लगान, फिर जो है वो घोड़ा सही दिशा में चलता है, उसी तरह से गुरु हमें कठिन कभी सेवा दे के बांधते हैं कि तुम सीधा चलो, यहाँ वहाँ नहीं देखना है। लेकिन हम सोचते हम गुरु की मदद कर रहे हैं, हम उनको हेल्प कर रहे हैं, हमारे बिना उनका क्या होता, हम नहीं करके देते ये तो कैसे होता, खत्म खत्म। और इंग्लिश में कहावत है ना, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब ज़्यादा ज़्यादा गुरु के पास आने लगते हो, तब धीरे धीरे गुरु में दोष देखने लगते हो, गुरु धीरे धीरे गुरु से ईर्ष्या होने लगती है, ओ कितना इम्पोर्टेंस मिल रहा है, कितना कितना कुछ, कितना ये हो जा रहा है, धीरे धीरे गुरु पे ईर्ष्या हो जाती है। और जब ये सब होना शुरू होता है तब पतन शुरू। देखो गुरु जो है वो हाई वोल्टेज पर्सन है, हाई वोल्टेज, क्योंकि कृष्णा से इतना ज़्यादा एनर्जी उनमें आ रहा है, और अगर हमारा वायर पतला है तो वायर जल जाएगा। जब गुरु के इतने पास संपर्क में आना है तो हमारा वायर भी मोटा होना चाहिए, पतला वायर होगा तो जल जाएगा। मोटा वायर होना मतलब हमारी श्रद्धा, हमारी साधना सब एकदम ठीक रहना चाहिए, नहीं तो जल जाएंगे। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में बोलते हैं, तीन चीज है इस दुनिया में जिसके ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए और जिससे ज्यादा दूर भी नहीं रहना चाहिए। एक है अग्नि, अग्नि के ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए, फिर जल जाते हैं हम लोग। अग्नि से ज्यादा दूर भी नहीं रहना चाहिए, ज्यादा दूर रहेंगे तो खाना पकेगा कैसा? सही जगह, सही डिस्टेंस पे रहना पड़ेगा ना। और एक है गुरु, गुरु से ज़्यादा पास भी नहीं आना चाहिए, ज़्यादा पास आनेंगे तो हम दोष देखना शुरू कर देंगे, और गुरु से ज़्यादा दूर भी नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा दूर जाएंगे तो हम माया में पड़ जाएंगे। और तीसरा है राजा, राजा के ज़्यादा पास जाएंगे तो दोस्ती हो जाएगा, फिर हम हर टाइप की बातें करना शुरू कर देंगे राजा के साथ, अरे तुम ठीक ही हो पर इतनी भी शक्ति तुम्हारे में नहीं है, वो राजा तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। और फिर कभी भी राजा को गुस्सा आ सकता है, बोला डालो इसको जेल में, बड़ा आया मेरे को ऐसा बोल रहा है। तो राजा के ज़्यादा पास जाने से भी प्रॉब्लम है और राजा से ज़्यादा दूर होने से भी प्रॉब्लम है। अगर हमारा कोई परिपालन करने वाला ही नहीं है, हमारी कोई रक्षा करने वाला ही नहीं है, अगर हम जंगलों में घूमेंगे तो कैसे होगा? हमें तो रक्षा चाहिए ना राजा की,
तो ये तीन चीज चाणक्य नीति शास्त्र में बोलते हैं। गुरु की ज्यादा पास, तो आपसे क्या करे, गुरु की ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए, अरे आपसे मैं डिस्टेंस मेंटेन करूंगा, बाप रे ये तो बहुत बड़ी बात। ज्यादा पास का मतलब है बिना इक्विप्ड ज्यादा पास जाना, तब क्या होगा, दोष देखना शुरू कर देंगे, ईर्ष्या होना शुरू, गुरु को साधारण मानने लगेंगे, हम जैसे हैं वो वैसे ही है, उसमें बड़ी बात क्या है। ये हमें भूल नहीं करनी चाहिए। हम बहुत बार देखते हैं जो बड़े बड़े गुरु महाराज वगैरह के जो शिष्य होते हैं या पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, वो थोड़े दिन के बाद में जो बेसिक एटिकेट है वो भी छोड़ देते हैं। मैं इस्कॉन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जनरल ये बात कर रही हूँ, क्योंकि वो इतने ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं कि उन्हें लगता ही नहीं कि उन्हें बेसिक एटिकेट फॉलो करना है। इवन प्रणाम करना भी वो सोचते हैं कि ज़रूरी नहीं है। अब मैं तो इतना क्लोज से जानता हूँ, रोज़ दिन में 10 घंटे तो मैं उनके साथ ही रहता हूँ, तो ये सब फॉर्मेलिटी मेरे लिए नहीं है, ये सब दूसरे लोगों के लिए, उनको करना चाहिए प्रणाम, वो कभी एक बार मिलते हैं, मैं तो रोज़ का है मेरे को क्या प्रणाम करना, ये अपराध है, ये अपराध है। क्योंकि गुरु से क्लोज आ गए, बेसिक एटिकेट भी फॉलो करना छोड़ दिया। जब एक बार मिलते थे वंस इन ए वीक संडे, तब सारा फॉलो करते थे, जब रोज़ रोज़ का हो गया तब टेकन फॉर ग्रांटेड। और स्कंद पुराण में बोलते हैं वैष्णव अपराध 6 प्रकार के हैं, उसमें से पहला है वैष्णव को प्रणाम नहीं करना, ये एक अपराध है। अब जब हम फेमिलियर हो जाते हैं तब हम छोड़ देते हैं प्रणाम करना, ये एक अपराध है। दूसरा अपराध है वैष्णव को देखने से हमें खुशी होनी चाहिए, अगर हम वैष्णव को देख के दुखी हो जाते हैं तो वो भी अपराध है। वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। और वैष्णव के ऊपर में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, वैष्णव पे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो वैष्णव को देख के खुश होना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनकी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, उनको देखने से प्रणाम करना चाहिए। और लिखा है वैष्णव का वध नहीं करना चाहिए, ये हम सबको अच्छा लगता है, अरे मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, सच किसी को भी मैंने मारा नहीं, आई एम सेफ, ये अपराध तो मैंने कभी नहीं किया, मैंने किसी वैष्णव का खून नहीं किया। अरे कंप्लीट करने दो नेक्स्ट सेंटेंस, खून करना या वध करने का मतलब क्या है। जब आप किसी वैष्णव का, वरिष्ठ वैष्णव का अपमान करते हो तो ये भी उनका वध करने जैसा ही हुआ, क्योंकि शास्त्र में कहते हैं जो पूजनीय है, जो बड़े हैं, अगर कोई उनका अपमान करता है तो वो भी उनके मारने के समान हुआ। तो ये तो हम बहुत बार करते हैं वैष्णवों का अपमान, ये भी एक, तो ये भी एक अपराध हुआ। और छठा बोलते हैं कि वैष्णव पे क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें वैष्णव पे क्रोध नहीं आना चाहिए, अगर वैष्णव पे हमें क्रोध आए तो ये भी एक अपराध है। तो ये है 6 प्रकार के अपराध जिससे हमें दूर रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 2वें श्लोक में ऋषभदेव अपने पुत्रों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और उसमें वो बोलते हैं, सबसे पहला वाक्य वो कहते हैं महत सेवा द्वारम अहुर विमुक्तस। अगर हम वैष्णव की, महत माने महात्मा, अगर हम किसी महात्मा की सेवा करते हैं तो जो भगवत धाम, वैकुंठ धाम के जो द्वार है वो हमारे लिए खुल जाते हैं। और दूसरे लाइन में बोलते हैं उसके विपरीत, उसके विपरीत अगर हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जो हमेशा स्त्रियों के बारे में सोचते हैं या भोग करने के बारे में सोचते हैं, हमेशा पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, भौतिक विषयों के बारे में सोचते हैं, अगर हम ऐसे लोगों के साथ में संग करें तो हमारे लिए नरक के द्वार खुल जाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए, हमारे लिए स्वर्ग का, भगवत धाम का द्वार खुल रहा है कि नरक का द्वार खुल रहा है। हम नरक का द्वार ही खुल रहा है, हम तो 24 घंटे ऐसे लोगों के साथ ही रह रहे हैं जो हमेशा अपने इंद्रियों के भोग कैसे करना है उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। बेस्ट खाना, बेस्ट रिसोर्ट में चले जाए, बेस्ट खाना खाए, शराब पिए, बस ये सारे काम करते रहे, बहुत सारा पैसा कमाए, जिसकी वृत्ति सब समय ये सोचती रहती है, हम वैसे लोगों का संग कर रहे हैं।
और ऋषभदेव यहाँ पे अपने बच्चों को बोल रहे, भैया ऐसे लोगों का संग करोगे तो नरक का द्वार तुम्हारे लिए खुल गया है। और अगर हम भक्तों का, महात्मा साधु जन का सेवा करते हैं तो हमारे लिए भगवान का धाम का द्वार खुल गया है। और फिर उसी श्लोक में ऋषभदेव बताते हैं कौन है महात्मा, कैसे पता चले, विजिटिंग कार्ड तो नहीं होता महात्मा का, आई एम महात्मा, एक्सक्यूज मी, विजिटिंग कार्ड तो नहीं है, कैसे पता चले कौन है महात्मा। तो उसके भी 6 गुण बताए हैं। कौन है महात्मा? जिसके गुण साधु जैसे है, साधवा, सारे अच्छे गुणों से जो विभूषित है वो है महात्मा। जो महंत है, माने जिसको शास्त्र का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, भगवान को कैसे पाना है वो ज्ञान हमें बोध कर सके, वो महात्मा है। जो हमें बता सके ये है कृष्णा, हमें ऐसा करना है, हमें ऐसे भक्ति करना है, वो है महात्मा। जो प्रशांत है, प्रशांत माने पीसफुल, जो शांत है, जिसके साथ हम संग करने से हमें भी शांति महसूस होती है, जिसके आसपास आने से ही मन शांत हो जाता है। तो ये है गुण, साधु, महंत, प्रशांत। और है लिखा है जिसका चित्त समान भाव, समचित्त, जो सबको समान भाव से देखता है। इसको मैं अच्छे से बात करूंगा, लेकिन इससे बुरा से बात करूंगा, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं होती है महात्मा में। समचित्त, सबको समान भाव से प्रेम करता। और दूसरा गुण है महात्मा का, जो सुहृद है। सुहृद माने आपका श्रेय का अभिलाषी, आपका वेल विशर, हमेशा आपके बारे में सोचता रहता है, आपके अच्छे के लिए। बहुत डिफिकल्ट है ऐसे कोई महात्मा का दर्शन करना, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग बहुत अच्छे भक्त होते हैं लेकिन वो अपनी ही भक्ति करते हैं, उनको आपके आध्यात्मिक जीवन में के बारे में या आपके आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने की कोई रुचि नहीं है। वो अपने जीवन में, ऐसा नहीं कि वो साधु अच्छे साधु नहीं है, सबका अपना अपना लेवल एंड टेस्ट होता है। कुछ लोग बस अपना तक ठीक है, अपना जप, अपनी साधना, अपना ठीक चल रहा है। कुछ ऐसे साधु होते जिनको हमेशा दूसरों के भी आध्यात्मिक जीवन अच्छा हो, आगे बढ़े, भक्ति बढ़े, उसमें सहायता करने की कोशिश करें, ऐसे सुहृद वेल विशर को बोलते हैं महात्मा। तो क्या क्या गुण बताए मैंने महात्मा के? महंत, ज्ञान होना चाहिए, साधव, अच्छे गुण होना चाहिए, और उस महात्मा को क्रोध नहीं आना चाहिए, विमन्यवा, उसको क्रोध ना आए। क्योंकि किसी को भक्ति देना या किसी को भक्ति सिखाना इतना आसान नहीं है। कभी कभी अच्छे अच्छे भक्तों को भी क्रोध आ जाता है कि कितना बार समझाए ये लोग को, कितना बार सिखाए, कितना बार बोला ऐसा मत करो, ऐसा करो, फिर भी ये लोग नहीं सुनते, तो वो तंग हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसे महात्मा के बारे में बोल रहे हैं जो हमें पर क्रोध नहीं करता। तो ये सारे महात्मा के गुण बताए हैं, जो क्रोध ना करे, जो सुहृद है, जो समचित्त है, जो प्रशांत है, जो महंत है, जो क्रोध ना करे, ये सारे हैं महात्मा के गुण, साधु के गुण है उसमें। तो ये श्लोक का यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसका और विश्लेषण करने से आज पूरा भजन ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो हम ये श्लोक तक क्लैरिटी आ गया कि हमें शुद्ध भक्त के चरण की रेणु लेनी है और भक्तों की सेवा करनी है, क्योंकि वही प्रेम की लतिका का मूल है। दूसरे श्लोक में चले जाएंगे, मेरे पीछे गाएंगे, माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन कोरी, माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन कोरी, कृष्ण वसती वसती बोली परम आदर बोरी, यहाँ पे बता रहे हैं माधव तिथि भक्ति जननी। ये जो माधव तिथि है ना,
ये भक्ति की जननी है। क्या है ये माधव तिथि? यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं अनेक रूप में। पहले स्टैंजा में बताया भक्त के रूप में, भक्त के रूप में भगवान जो है हमें भगवान तक पहुँचने का ज्ञान देते हैं। भक्त के द्वारा ही तो भगवान को हम जान पाते हैं। हम भक्ति कैसे कर पाते हैं? भक्त का आचरण, व्यवहार, उनकी बातें सुन के हमें भगवान के बारे में पता चलता है। और दूसरा तरीका, दूसरा वे भगवान हमारे जीवन में आते हैं इन पुण्य तिथियों के रूप में, जैसे एकादशी की तिथि, जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, भगवान के अलग अलग अवतार की आविर्भाव तिथि, उनको माधव तिथि बोलते हैं। और भक्तों की, वैष्णव आचार्यों की आविर्भाव तिथि भी माधव तिथि है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि माधव तिथि भक्ति जननी, ये जो माधव तिथि है, ये जो अलग अलग तिथियाँ है पुण्य तिथि, ये भक्ति की माता है। मतलब इन दिन में, इन दिनों में, इन तिथियों में भक्ति का जन्म होता है। इसलिए तो हम इतना फोर्स करते हैं कि एकादशी पालन करो। हाँ, इसलिए तो हम आप लोग को बोलते रहते हैं कि एकादशी हो, कोई भी पुण्यतिथि हो, कोई भी वैष्णव आचार्य का आविर्भाव दिवस हो, भगवान के कोई रूप का आविर्भाव दिवस हो, मंगला आरती में आइए, भक्तों के साथ संग करिए, जप करिए, प्रवचन सुनिए। क्यों स्पेशली क्यों इस तिथि के टाइम पे? मैं आपको कभी फोर्स नहीं करती कि बाकी के टाइम पे, लेकिन ये तिथि में मैं हमेशा आप लोग को मैसेज भेज के बोलती हूँ आना ही है, आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माधव तिथि भक्ति जननी, ये सारी तिथि भक्ति की माँ है। इस इन दिनों में भक्ति का जन्म होता है। ये तिथियाँ हमें भक्ति देती है। और माँ का क्या रोल है? माँ जन्म ही नहीं देती है, माँ बच्चे का पोषण भी करती है। तो ये जब हम इन तिथियों का पालन करते हैं तो हमारे हृदय में भक्ति का जन्म होता है, और ये तिथियाँ इन भक्ति का पोषण करते हैं। इसीलिए ये तिथियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। लिखा है ना नेक्स्ट लाइन में, जतने पालन कोरी। जतने मतलब वेरी केयरफुली, ये तिथियों का डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हाँ ठीक है, एकादशी है, ठीक है, नहीं नहीं, जतने पालन करी, वेरी सीरियस। जैसे कि आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आज एकादशी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भगवान का जन्मदिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज जो भी हमारे वैष्णव के आविर्भाव दिवस है, आज बहुत इंपॉर्टेंट है। जतने पालन कर, बहुत सीरियसली उसको फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में लिखा है, कृष्ण वसति वसति बोली परम आदर बोरी। उसके बाद क्या करना है भक्त को? भक्तों का सेवा, भक्त का चरण रेणु, माधव तिथि का पालन करना है। उसके बाद क्या करना है जो हम सबको करना बहुत अच्छा लगता है? तीर्थ यात्रा में जाना, जहाँ भगवान, जो जो स्थान में भगवान खुद गए हैं, आविर्भाव हुआ है, जहाँ पे जिस स्थलों में भगवान ने लीला की है, उस लीला स्थलियों में जाना, ये भी भक्ति को बढ़ाती है। जब हम उन स्थलों में जाते हैं और फिर हम याद करते हैं, ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है, यहाँ पे ऐसा हुआ था, ये प्रेम सरोवर है, यहाँ पे ये लीला हुई थी, ये ब्रह्मा कुंड है, ये अक्रूर घाट है, यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, हम बार बार भगवान का स्मरण करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कृष्ण वसति वसति बोली, जहाँ जहाँ भगवान घूमे है, अपनी लीला की है, ऐसे स्थलों में जाओ। यहाँ तो ऐसा भी बोला गया है कि ऐसे स्थलों में निवास करो, वहाँ रह जाओ परमानेंटली, ये तो पॉसिबल नहीं है। और फिर लिखा है लेकिन, लेकिन #, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, परम आदर बोरी। लेकिन जब ऐसी जगहों में जाओगे, परम आदर, इतना मतलब उसको ध्यान पूर्वक जाना है ऐसी जगहों में कि कहीं हमसे अपराध ना हो जाए। क्योंकि ऐसे जो तीर्थ स्थान होते हैं वो वन वे बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वहाँ जाने से, एक माला करने से 1000 माला का फल मिलता है, एक बार प्रसाद लेने से एक हर चीज़ डबल ट्रिपल 1000 टाइम, लेकिन वहाँ पे एक भूल करने से 1000 भूल करने का पाप भी मिलता है, एक भूल करने से 1000 भूल करने का पाप। तो इसीलिए जब तीर्थस्थान जाते हैं तो ये दो साइडेड स्वॉर्ड है, टेंशन भी है। इसलिए वहाँ परमानेंटली निवास ना भी करें तो ठीक ही है, लेकिन जब वहाँ जाए हम, तब ओवर द टाइम इतना अप्रिशिएशन बिल्ड करके जाना है। मतलब उसके बारे में इतना चिंतन करना चाहिए, जैसे अभी हम लोग जा रहे हैं
जगन्नाथपुरी, तो उसको कोई सोशल एंटरटेनमेंट जैसे नहीं सोचना है। इतना ज़्यादा अपने मन को प्रिपेयर करना है, पूरी जा रहे हम, नीलाचल धाम जा रहे हम, पुरुषोत्तम महीना में पुरुषोत्तम धाम जा रहे, कोई गलती ना हो जाए, कोई अपराध ना हो जाए, कोई वैष्णव की तरफ हम अपराध ना करें, हम कोई गलती ना करें। इतना अप्रिशिएशन उस धाम के बारे में सुनो, पढ़ो, पहले ही उसके बारे में और सुन लो और पढ़ लो, तब क्या होगा, जब उसमें आप पैर देंगे उस धाम में, तब आपको हर वक्त आप एकदम सटीक बिहेव करोगे, क्योंकि आपको डर लगेगा गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक तो हूँ। लेकिन हम लोग उसके विपरीत क्या करते हैं, उसको एक सोशल एंटरटेनमेंट ले लेते हैं तीर्थ यात्रा को, फ़ोन करके तुम कितने साड़ी पैक की, 5 काफ़ी है, तुम कौन सा कलर ले रही हो, हमारे लिए वो सोशल एंटरटेनमेंट है तीर्थ यात्रा जाना। हमको ये भाव नहीं है कि अरे हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे वृंदावन धाम, वहाँ पे भगवान, वो नहीं है हम क्या। और वहाँ पहुँचने के बाद भी खाने में मज़ा नहीं आया, दूसरे आश्रम में वहाँ कैसे मिल रहा है खाना, वहाँ एक बार चेक करें क्या, ये आश्रम में अच्छा नहीं लगा खाना, वहाँ वेराइटी ज़्यादा था, माता जी वहाँ पे 2 स्वीट ज़्यादा दिया था, हम उधर जाए क्या जहाँ पे दोपहर में खाया था। ये हमारा तीर्थ यात्रा का भाव, हम में और कौवे में क्या फ़र्क है, वो कौवा भी जाता है तीर्थ यात्रा करने के लिए, सब जगह घूम के आ जाता है, हम भी जाते हैं कौवे के जैसे। क्या है हमारा मुख्य उद्देश्य, खाना पीना घूमना, हा हा ही ही, टाइम पास, मज़ा आया, देखा अच्छा लगा, थोड़ा दिन वाइजाग से दूर, टाइम पास हो गया, सात्विक एंटरटेनमेंट, हम और तो कहीं नहीं गए ना, भक्तों के साथ ही गए ना, बस हो गया आ गया। ये हमारी भावना है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे केयरफुल, परम आदर बोरी, जब जाएंगे एकदम चिंता चिंता से, वहाँ कोई गलत बात मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, किसी भी वैष्णव के बारे में अपराध नहीं करना चाहिए। वहाँ पे फिर आप जाके इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया, इसने रिक्शा का पैसा नहीं दिया, ये हमारे भाव तीर्थ यात्रा जाने के बाद। अरे मेरे भाई छोड़ दे, नहीं दिया पैसा तू दे दे, तू दे, तीर्थ यात्रा में आए हो, किसी को 10 रुपये की 20 रुपये की बॉटल पानी खरीद के तुम दे दोगे, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, पुण्य मिलेगा तुम किसी की सेवा करते हो तो वहाँ। लेकिन हमारी भाव अब ऐसी हो गई है ना, हमें हर वक्त सबसे लेना है, हम किसी को देना नहीं चाहते, ये हमारी भाव हो गया। अब देखो माताजी लोग का किचन में जो रेगुलर मसाले यूज़ करते हैं ना, वो सामने रखे हुए रहते हैं, जो मसाले रेगुलरली यूज़ नहीं करते वो पीछे हैं, वो पीछे रखते नहीं है, वो धीरे धीरे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि रेगुलरली जो यूज़ करते हैं वो सॉल्ट है, हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है, वो रेगुलरली यूज़ करते हैं, कुछ कुछ जायफल है, कुछ है जो हमेशा नहीं यूज़ होता, वो धीरे धीरे पीछे चला जाता है, और कभी कभी तो इतना पीछे चला जाता है कि हम मार्केट जाके दूसरी बार खरीद के लेके आते हैं, उसके बाद फिर याद आता है अरे ये तो था घर में, मैं लेके आ गया फिर से, क्योंकि जो चीज़ रेगुलरली यूज़ करते हैं वो सामने ही मिल जाती है। उसी तरह से हम जिस तरह का स्वभाव रेगुलरली डेवलप करते हैं वो इमीडिएटली मैनिफेस्ट होगा, कदम कदम पे वो ही मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि वो हमारा रेगुलर स्वभाव है। तो हम रोज़मर्रा गलत तरीके से बिहेव करेंगे सबके साथ, लेकिन जब मैं तीर्थ यात्रा में जाऊँगी, क्योंकि माता जी ने बोला है, मैं अच्छे से बिहेव करूँगी, नहीं होगा, नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि जो तुम रेगुलरली करते हो ना वही मसाले हाथ में आते हैं, तुमको रेगुलरली आदत है, मैं क्यों दूँ किसी को, मैं क्यों दूँ, और अगर दे भी दिया, माता जी देखा कि नहीं देखा, मैंने दिया इसका पैसा, देख, हाँ देखा देखा देखा, तो ठीक है, ये दूसरा भाव, दे भी दिया तो उसका अप्रिशिएशन, किसी ने देखा तो मैंने इसको स्पॉन्सर किया, ये है हमारे भाव। आर्टिफिशियली नहीं होगा ये भाव, अगर पूरा साल डेवलप करोगे ना, तब सरल भाव से हमेशा ही आपको सबको देना अच्छा लगेगा, सबकी सेवा करना अच्छा लगेगा, सडनली ऐसा मैं डिफरेंट, वहाँ डिफरेंट बिहेव करूँगी, फिर घर में मैं भक्त जैसे बिहेव नहीं करूँगी, घर में अलग बिहेवियर, मंदिर में अलग बिहेवियर, दुकान में अलग बिहेवियर, सोशल फ्रेंड्स के साथ अलग बिहेवियर, तुम्हारे भैया जो इतने सारे मास्क है ना, तुम्हारा सही फेस क्या है वो तुमको ही पता नहीं है, कि इतने सारे मास्क, कभी ये मास्क तो कभी वो मास्क, मंदिर में आओ तो अच्छा भक्त बनने का मास्क, मास्क सारे निकाल के फेंको, तुम जो हो अपने गुरु को बताओ, मैं ये हूँ, ये है मेरा रियल स्वरूप, ये जो मैं दिखा रहा हूँ मैं वैसा नहीं हूँ, ये है मेरे अंदर के भाव, मैं ऐसा हूँ, मेरी मदद करिए, मैं कैसे बदलूँ अपने आप को। जो चीज़ छुपाते हैं वो बढ़ेगी, जो चीज़ बताएंगे वो कम होगी, इसलिए तो पति क्या करते, पैसा छुपाते हैं पत्नी से, नहीं नहीं हमारे पास इतना नहीं है, तो खर्च कर देगी,
तो जो चीज़ हमारी गलत हो रही है हमें बताना चाहिए गुरु को, ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं ऐसा हूँ, मेरी मदद करिए, मुझे बदलिए। आर्टिफिशियली मास्क पहनने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जब कोई पिंपल होता है तो पहले हमें रक्त में क्या प्रॉब्लम है उसका रिपोर्ट देखना है। ऊपर से सोफ्रामाइसिन लगाएंगे तो कितना देर वो ठीक लगेगा? ठंडा ठंडा बर्फ लगाओ तो 5 मिनट ठीक लगेगा, लेकिन फिर और एक होगा, फिर और एक होगा। अगर हम रक्त शुद्धि कर देंगे, साफ़ी पी लो तो पूरा रक्त शुद्धि हो जाए। हमें अंदर से हमारे बिहेवियर को चेंज करना है, हमें अच्छा भक्त बनना है और हमेशा हमारा व्यवहार अच्छा रखना है। गुरु से बात करो फोन में तो अलग स्टाइल, वही कोई और फोन करेगा तो बात करने का स्टाइल ही बदल जाता है। नहीं, हमेशा हमें अच्छा स्वभाव रखना है, हमेशा हमारा व्यवहार हमें मीठा रखना है, हमेशा। फिर कुछ बोलो तो बोलेंगे माता जी मैं ऐसा नहीं हूं, वो उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। भैया वो कैसे तुम्हें गुस्सा दिला सकता है? अगर आप किसी मौसम्बी को जो है दबाओ तो उसमें से कौन सा जूस आएगा? हाँ, मौसम्बी का जूस आएगा। लेकिन उस मौसम्बी को थोड़ा देर फ्रिज में रख लो, उसके बाद दबाओ, फिर क्या आएगा? मौसम्बी जूस। वो मौसम्बी को खराब होने दो, थोड़ा दिन के बाद दबाओ, फिर क्या आएगा? कुछ भी करो मौसम्बी जूस ही आएगा, एप्पल जूस आएगा क्या? वो क्यों ऐसा हो रहा है, एप्पल जूस क्यों नहीं आ रहा है? हम इतना मेहनत कर रहे हैं अलग अलग से, लेकिन एप्पल जूस नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो है वही बाहर आएगा। अलग से कुछ नहीं आ सकता है, उसका मतलब तुम्हारे अंदर जो है वही बाहर आएगा। तुम ये नहीं बोल सकते उसने मुझे गलत तरीके से क्रश किया था इसलिए एप्पल जूस निकला, नहीं तो मेरा यूजुअली मौसम्बी ही निकलता है। उसका मतलब तुम्हारे अंदर में ऐसे भाव है, इसलिए कभी कभी ये भाव जो है निकल जाते हैं। जिस दिन तुम मास्क पहनना भूल जाते हो उस दिन तुम्हारे सच्चे भाव बाहर आ जाते हैं। इसलिए हमें अंदर से पवित्र होने की कोशिश करनी है, ऊपर से मास्क बदलेंगे तो क्या फायदा? अंदर से पवित्र होना है, और तब हमें कोई कितना भी डिस्टर्ब करे हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा। कभी कभी हम तीर्थ स्थान जाते हैं लेकिन हम तीर्थ स्थान में नहीं हैं, हमारा मन घर में है। और कभी कभी हम घर में हैं, हम फिजिकली घर में बैठे हैं लेकिन हम तीर्थ स्थान में हैं, क्योंकि हम वृंदावन के बारे में सुन रहे हैं, मायापुर के बारे में सुन रहे हैं, पूरी के बारे में सुन रहे हैं। तब हमारा भाव बिल्कुल बदल जाता है, तब कम्प्लीटली हम सोचते अरे वृंदावन में हम ये देखा था वो, हम कम्प्लीटली वृंदावन धाम में हैं। लेकिन कभी कभी वृंदावन में है फिर भी घर के बारे में, दुकान के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर वो वृंदावन धाम जाने का कोई फायदा नहीं। हमारे भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को गोरकिशोरदास बाबा जी महाराज ने सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शन दिए थे अपने जीवन काल में, सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शंस। उसमें से एक इंस्ट्रक्शन था कि तुम कभी कलकत्ता मत जाना, और दूसरा इंस्ट्रक्शन था तुम कभी दीक्षा मत देना। और ये दोनों इंस्ट्रक्शन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने फॉलो नहीं किए। अब उनके शिष्यों ने जाके पूछा, गुरु जी आपके गुरु ने आपको ये 2 ही इंस्ट्रक्शन दिया था, कलकत्ता कभी मत जाना, दीक्षा कभी मत देना, और आपने ये दोनों किया, और किया ही नहीं, गौड़ीय मठ का हेडक्वार्टर्स था कलकत्ता, बाग बाजार का गौड़ीय मठ था उनका हेडक्वार्टर्स कलकत्ता में। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत सुंदर बात बताई। उन्होंने बोला कि मैं तो कभी कलकत्ता में रहा ही नहीं, मैं कलकत्ता में कब रहा, मैं तो मंदिर के अंदर हूँ और मंदिर तो वैकुंठ है, मैं तो वैकुंठ में रहा, मैं कलकत्ता कब गया? तो भाव देखो, तो कलकत्ता में कब गया होता अगर मैं कलकत्ता के पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करूँ, न्यूज़पेपर पढ़ूँ, वहाँ क्या हो रहा है जानूँ? मैं तो अपना भजन कीर्तन बस मंदिर के अंदर सबको भक्त बना रहा हूँ, मैंने कहा मेरे गुरु का फॉलो नहीं किया। और दूसरी बात, गुरु ने कहा था दीक्षा मत दो, तो उन्होंने बोला कि मैं तो मन से कभी भी अपने आप को गुरु मानता ही नहीं हूँ, मैं किसी को भी जो दीक्षा देता हूँ मैं सोचता हूँ ये तो मेरे गुरु के शिष्य है, मेरा इतना ही रोल है, मैं उनको मिला रहा हूँ, बस मेरा निमित्त मात्र हूँ, मैं सिर्फ दोनों को मिला रहा हूँ, मैं अपने आप को गुरु सोचता ही नहीं। कितने सुंदर भाव। मैं क्यों ये एग्जांपल दे रही हूँ कि भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि आप कैलाश पे चले जाओ या यमुनोत्री चले जाओ, गंगोत्री चले जाओ, लेकिन वहाँ भी आपकी भाव है इंद्रिय तृप्ति,
तो फिर कोई फायदा नहीं है, ऐसी यात्राओं का कोई फायदा नहीं है, ये कव्वे जैसी यात्रा है, मत करिए ऐसी यात्रा। वरुण आइए संडे प्रोग्राम में बैठ के भगवत गीता सुनिए, ये आपकी तीर्थ यात्रा है, यहाँ भगवान के बारे में सुन रहे हो ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे, बहुत अच्छे ब्रह्मचारी, जीवन भर गौड़ीय मठ की सेवा की उन्होंने, कभी कोई गलती नहीं, वंडरफुल डिवोटी। एक बार ऐसा हुआ, पता चला कि उनको कोई ऐसा रोग हो गया है कि वे 3 महीने के अंदर मर जाएंगे। वो गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास, बोले गुरु महाराज मैं जो अभी मेरा जो ये रोग हुआ है 3 महीना में जो मैं कभी भी गुजर सकता हूँ, मेरी एक ही आशा है, इतने सालों में मैंने कभी मेरी माँ को नहीं देखा, एक बार कलकत्ता जाऊँगा मेरी माँ को देख के आऊँगा। गुरु जी ने बोला नहीं हो सकता, सॉरी यू कान गो। उसको बहुत बुरा लगा, मैं इतने साल में कभी घर नहीं गया, अब मैं कभी भी शरीर छोड़ सकता हूँ, एक बार मेरी माँ को देखना चाहता हूँ। बोला तुम नहीं जा सकता। 1 महीना पास हो गया, 2रा महीना पास हो गया, 3रा महीना में आ गया, अब इतनी हालत ख़राब हो गई कि अब डॉक्टर ने बोला बस अब शायद 1-2 दिन, अब लगता नहीं ज़्यादा दिन बचेंगे। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसके पास गए और बोले जाओ तुम्हारी माँ को मिल के आओ। बोला क्या, पहले मैंने आपको बोला था मैं जाऊँगा, तब तो आपने जाने नहीं दिया, अब मैं नहीं जाना चाहता। बोला क्यों नहीं जाना चाहते? बोलता है कि अब तो मैं शरीर त्याग करने वाला हूँ, तो मैं कलकत्ता में क्यों शरीर त्याग करूँ, मैं नवदीप धाम में शरीर को त्याग करना चाहता हूँ, मैं यही रहूँगा गुरु जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला तुम नहीं रह सकते, मैं तुमको मंदिर से निकाल रहा हूँ, तुमको अभी जाना पड़ेगा तुम्हारी माँ के पास। उसके शिष्य को बोला इसको लेके जाओ ट्रेन में बिठाओ, चलो उसके माँ के पास जाके छोड़ दो। शिष्य ने उसको बिठाया ट्रेन में, ट्रेन चल पड़ी, रास्ता में उसका देहांत हो गया। अब जो उनके सेक्रेटरी थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सेक्रेटरी, उन्हें बहुत बुरा लगा कि ये कैसा क्रूर बिहेवियर, बेचारा माँ को भी नहीं मिल पाया और नवद्वीप धाम में उसका मरण भी नहीं हुआ, दोनों चीज़ उसको नहीं मिला। वो गया गुरु के पास। ये बहुत बड़ी सीख है कि जब भी हमें गुरु पे कोई संदेह आए पहले पूछ लेना चाहिए, माइंड में उतना कुछ खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए, ऐसा क्यों किया, ऐसे है ये वैसे है, फिर उसमें गुरु अपराध हो जाता है, नहीं समझ में आया ना गुरु ने क्या किया, उनका बिहेवियर समझ में नहीं आया, जाके पूछे मुझे नहीं समझ में आया एक बार बता दो, उसमें अपराध नहीं होता है, आपको क्लैरिफाई हो जाता है। बोले मुझे अच्छा नहीं लगा गुरु जी आपने ऐसा क्यों किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बोला कि अगर मैं उसको उसकी माँ के पास भेज देता 3 महीने पहले तो वो अपनी माँ के चिंतन में, क्योंकि इतने सालों के बाद मिला तो सब समय अपना माँ का फेस, माँ मेरी माँ, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इतने सालों में जो साधना की वो सारा खराब हो जाता था, लास्ट में भगवान को याद करने के बदले में अपनी माँ को याद करता था, क्योंकि इतने सालों में कांटेक्ट नहीं था तो घर की याद नहीं आती थी, लेकिन एक बार जब आप बात करने लगोगे तो सारी हिस्ट्री बताएंगे ना, इतने साल में ये हुआ, काका का बेटा मर गया, काकी की बेटी की शादी हो गई, इसने इतना पैसा दिया, इसने इतनी डाउरी दी, सारी बातें याद आ जाए, तो इसलिए मैं नहीं चाहता था। तो बोला ठीक है वो तो समझ में आया, लेकिन जब नवद्वीप धाम में वो मरना चाहता था देह को त्याग करने, तो उसमें क्या प्रॉब्लम था? बोला उसमें प्रॉब्लम ये था कि यहाँ अगर वो त्याग करता था तो अपनी माँ को याद करता रहता था, लेकिन जब मैंने उसको ट्रेन में भेज दिया तो वो हर पल नवद्वीप धाम के बारे में याद कर रहा है कि मेरे को उधर मरना है, मेरे को उधर मरना है, मेरे को क्यों यहाँ भेज रहे, मुझे तो नवद्वीप, अरे मैं नवद्वीप धाम में मैं मिस हो जा रहा हूँ, मुझे नवद्वीप धाम में रहना है। तो अब क्या हुआ, कॉन्शियसनेस कंटिन्यूसली नवद्वीप धाम। तो ये है गुरु का, यू नो, कभी कभी गुरु कठोर लगते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे, तुम शांति रखो, जो कर रहे तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे, उनका उनके पीछे कुछ कारण होता है। मैं यहाँ भाव के बारे में बता रही थी कि भाव कितना इम्पोर्टेंट है, बेशक वो ट्रेन में था लेकिन भाव से नवद्वीप में था। कभी कभी हम नवद्वीप में है लेकिन हम वाइजाग में बैठे हुए हैं, मन हमारा वाइजाग में है तो फिर कोई लाभ नहीं है। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, समय हो रहा है, तीसरे श्लोक में चलते हैं। गौरा महाराज सब स्थाने कर लो भ्रमण रंगे, गौरा महाराज सब स्थाने कर लो भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरी बोआमी प्रणयी भकत संगे, से सब स्थान हेरी बोआमी
प्रणयी भाकत संगे। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर बोल रहे हैं। द फर्स्ट वर्ड बोलते हैं गौर आमारा, गौर मेरे है। कितनी सुंदर बात, मेरे मेरे चैतन्य महाप्रभु जो है ऐसा वो बात कर रहे, कितना गहरा प्रेम। सिर्फ प्रेम की परिभाषा ही ये है, प्रेम मतलब अफेक्शन और रेसिप्रोकेशन एंड पोसेशन, अपना मानना, मेरे कृष्ण, मेरे गुरु, मेरे है ये प्रेम। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अरे ये तो क्या बोलते हैं गुंडाइज्म है, कृष्ण आपके ही है क्या, नहीं नहीं, ये एक प्रेम व्यक्त करने का तरीका है, मेरे गुरु, मेरे कृष्ण, मेरे गौर। तो बोलते हैं कि गौर अमार, मेरे जो चैतन्य महाप्रभु है, जे सब स्थान है, जहाँ जहाँ वह घूमे है, करी लो भ्रमण रंगे। रंगे माने एकदम मस्त। चैतन्य महाप्रभु जब भ्रमण करते थे अलग अलग तीर्थ स्थान में, तो कैसे भ्रमण करते थे वह? कीर्तन करते हुए, भजन कीर्तन, और फिर जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ बैठ के प्रवचन, कृष्ण कथा, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे वो हुआ। द टिपिकल इस्कॉन भी अभी वही स्टाइल फॉलो करते हैं हम लोग, जहाँ जाते हैं भजन कीर्तन फिर कृष्ण कथा। तो क्या है, रंग में एकदम रंगे। तो गौर अमार जे सब स्थाने करी लो भ्रमण, जहाँ जहाँ मेरे गौर, जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए हैं, से सब स्थान हेरी बोमी, मैं भी जाऊँगा उधर। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते मैं वो हर एक जगह जाऊँगा जहाँ मेरे गौर गए हैं, और फिर मैं वहाँ याद करूँगा, यहाँ भी आए थे चैतन्य महाप्रभु, यहाँ आए थे, यहाँ पे उन्होंने ये किया, यहाँ पे उन्होंने ये किया। जैसे अब हम लोग जा रहे हैं रेमुना, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु गए थे और वहाँ पे माधवेंद्र की पुरी की कथा उन्होंने सुनाई थी। तो अब क्या है भाव जब जाएंगे, अरे यहाँ आए थे चैतन्य महाप्रभु, यहाँ पे उन्होंने ये कथा सुनाई थी। तो से सब स्थान हेरी बोआमी प्रणयी भक्त संगे। अंडरलाइन लाइन इम्पोर्टेंट, किसके साथ जाऊँगा ये सारी जगह हो, प्रणय भक्त संग, मैं भक्त के साथ जाऊंगा, अकेला नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे स्थानों में कहाँ कहाँ कैसे जाऊंगा, प्रणय भक्त जो भगवान को प्रेम करते हैं, ऐसे भक्तों के संग में मैं वैसे स्थानों का, तीर्थ स्थानों का दर्शन करूंगा। ये भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं। क्यों जाएंगे हम भक्तों के साथ, हम क्यों नहीं जा सकते अलग से? क्योंकि अगर हम अलग से जाएंगे तो हम भौतिक विषयों में वहाँ भी निमग्न हो जाएंगे, वहाँ भी ऑफिस से फ़ोन कॉल्स आ जाएगा, वहाँ भी हमारी इंद्रियों को कैसे हमें तृप्ति देना है हम उसी काम में रहेंगे, कहाँ अच्छा खाना मिल रहा है, कहाँ अच्छा कमरा है, कहाँ बस हो गया। लेकिन भक्तों के साथ जाएंगे तो क्या होगा, भगवान बताते हैं ना, भक्त क्या करते हैं, बोधयन्ति परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त क्या करते हैं, मेरे बारे में हमेशा बात करते हैं। जब हम प्रणयी भक्त के साथ जाएंगे तो कोई चॉइस नहीं है, हम वहाँ और कुछ बात नहीं कर सकते, उनके साथ वही बात करना है और वही बात सुनना है। और दूसरा बात यह है कि जब हम भक्त के साथ जाते हैं तब एक आनंद ये है कि हम उनकी भक्ति का स्वाद भी ले सकते हैं और हमारी भक्ति का स्वाद भी ले सकते हैं, डबल फ्लेवर। जब हम छोटे थे तो हम और हमारी जो बहन थी हमेशा दोनों अलग फ्लेवर के आइसक्रीम ऑर्डर करते थे। उसमें फ़ायदा ये होता था कि थोड़ा सा उसका भी टेस्ट करो, थोड़ा सा मेरा भी टेस्ट करो, तो दोनों मज़ा आ जाए। देखो अब आजकल के तो आइसक्रीम दो तीन फ्लेवर में एक साथ मिलते, पर उन दिनों में ऐसा नहीं था। आप वेनीला लो, वो चॉकलेट ले, फिर थोड़ा वेनीला आप खाएंगे, थोड़ा चॉकलेट वो खाएंगे, तो दोनों के फ्लेवर हम एन्जॉय कर सकते हैं। तो जब भक्तों के साथ जाएंगे तो दोनों का फ्लेवर, हमारी भक्ति तो है ही, हम एन्जॉय करेंगे, भगवान को देखेंगे, उसकी भक्ति भी थोड़ा थोड़ा हम एन्जॉय करेंगे। वो कैसे प्रणाम करते हैं, वो कैसे गाते हैं, वो कैसे भगवान की तरफ देखते हैं, उनकी मुद्रा कैसी है, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो भी हमें पास ऑन होता है। इसीलिए हम भक्त के साथ, भक्त का दोनों का आदान प्रदान क्या होता है, हम भक्त को कृष्ण की कथा सुनाते हैं, कृष्ण देते हैं, फिर भक्त से कृष्ण को लेते हैं, फिर वो सुनाते हैं, वो कुछ बोलते हैं, फिर हम कुछ बोलते हैं, और ये जो आदान प्रदान होता है इसमें आनंद मिलता है, अलग अलग फ्लेवर आनंद आता है। तो इसलिए बोला प्रणयी भक्त संग, जो प्रणयी भक्त है उनके साथ में जाऊंगा, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन, मृदंग वाद्य सुनिते मान अवसर सदा जाचे, मृदंग वाद्य सुनिते मान अवसर सदा जाचे,
गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे, गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, एक्चुअली उनकी आंतरिक भावना को वो हमें बता रहे हैं। एक भक्त के अंतर्मन कैसा होता है? भक्त का अंतर्मन ऐसा होता है, उसे भगवान के संबंधित कोई भी चीज़ दिखे तो उसको भगवान याद आ जाते हैं। करताल दिखा तो अरे कीर्तन करते हैं, मृदंग दिखा तो एकदम भगवान का कीर्तन याद आ जाते हैं। तो वो भी यही बोले कि जब मैं मृदंग की आवाज़ सुनता हूँ, मेरे को लगता है बस मैं अभी अवसर, ये अवसर मुझे नहीं छोड़ना, मुझे अभी कीर्तन करना है। तो जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसकी उसके साथ जुड़ी हुई हर चीज़ आपको उसकी याद दिलाती है। इस भौतिक जगत में भी आप अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हो, बच्चा स्कूल चला जाता है, उसकी पेन कभी सोफ़ा पे छोड़ दिया, कभी वाटर बॉटल, तो उसको देखने से आपको उसकी याद आती है। उसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में भी जो चीज़ भगवान से रिलेटेड है उसको देखने से हमें भगवान की याद आती है। तो ये भक्तों को, जो भक्त है उसे भगवान की याद आती है। तो यहाँ पे ये बता रहे कि जब मैं मृदंग को देखता हूँ तो मेरा मन एकदम कीर्तन को याद करता है। और फिर बोलते हैं गौर विहित कीर्तन सुनी, जब चैतन्य महाप्रभु को ग्लोरीफाई करते हुए कीर्तन सुनता हूँ तो मेरा हृदय आनंद से नाचने लगता है। तो यहाँ पे भक्त की मनोदशा के बारे में वो बता रहे हैं कि कितना आनंद आता है जब हमें भी, अगर आप देखो जब हम इस्कॉन में आ जाते हैं और कुछ टाइम के बाद ऐसा एक परिवार वाली फीलिंग हो जाती है कि हम कहीं भी जाए और अगर वहाँ पे कोई भी हमें तिलक और मालाबाग के साथ दिख गया, हमें इतना अच्छा लगता है जैसे कि हमारे परिवार का कोई मिल गया, अरे उसने तिलक लगाया तो उसके हाथ में मालाबाग है, जैसे कि हमारा अपना है। एक हमको ये फीलिंग क्यों हमारा अपना लगता है, क्योंकि उसने तिलक लगाया है, उसके हाथ में मालाबाग है, हमें लगता है हाँ हमारा है, हमारा अपना है। तिलक हमें भक्त की, भगवान की, तिलक हमें भगवान की याद दिलाती है। हमेशा भक्तों को तिलक लगाना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं देखती हूँ कुछ भक्त तिलक लगाने में आलस करते हैं। तिलक लगाने में आलस नहीं करना चाहिए। एक बार जब आपको तिलक का महत्व पता चल गया है तो तिलक तो रोज़ लगाना चाहिए। आप जहाँ जाओ वहाँ आपको तिलक लगाना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आप कोई ऐसी जगह में जा रहे हो जहाँ पे आप नहीं लगा सकते, वो अलग बात है, लेकिन जितना हो सके सुबह नहा धोने के बाद, तो आप कभी इमिडिएटली तो कहीं नहीं जा रहे हो, तिलक लगा लो। अनलेस एंड अनटिल आप ऐसी जगह एम्प्लॉयड हो जहाँ पे आपके एम्प्लॉयर बोलेंगे नो यू कैन नॉट पुट तिलक, आप तिलक नहीं लगा सकते तो अलग बात है, लेकिन जितना हो सके तिलक तो सिर पे रहना ही चाहिए। गर्ग संहिता में एक कहानी आती है कैसे एक सिंधु देश के राजा थे दीर्घबाहु, इतने पापी थे वेश्याओं के पास जाते थे, ब्राह्मणों का वध करते थे, गायों का वध करते थे, गर्भवती स्त्रियों का वध करते थे, इतना पाप। और जब शिकार करने जाते थे तो हिरणों का वध करते थे बिना कोई कारण के। तो एक दिन वो राजा शिकार करने के लिए गए, का जो मंत्री है उनके अगेंस्ट में जो है एक युक्ति करके वहाँ का वहाँ राजा का जो है वध कर देता है। तो जब वो घोड़े पे बैठे थे और मंत्री उनका वध कर देता है तो घोड़े से वो नीचे गिर जाते हैं सीधा यमराज के लोक में, यमराज उनको लेके चले जाते हैं। और चित्रगुप्त यमराज को बोलते हैं कि भैया इसने तो इतना पाप किया है कि इसको कुंभीपाक जो नरक है जहाँ पे 8,000 माइल बड़ा जो तेल का पात्र होता है, गरम गरम बॉइलिंग तेल होता है, उसमें डालना चाहिए। बोला यमराज, बोला ठीक है ले चलो इसको। तो उसको पकड़ा और वो कुंभीपाक नरक में जो है, बोला अब तो जीवन भर उसको वहीं रहना है, तो उसको डाला गरम गरम तेल में। जैसे उसके शरीर ने तेल को छुआ वो तेल ठंडा हो गया। इसको समझ में नहीं आया ये क्या है, ये ऐसा किसको होता है जो बहुत पुण्य करते हैं वहाँ तेल भी उनको टच करके ठंडा हो जाता है, ये कैसे हो गया। तो फिर साथ ही साथ में जो है वो यमराज के पास गए, चित्रगुप्त बोलता है ये तो तेल उसको छूने से ठंडा हो गया। बोला मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रहा, इसका सीक्रेट क्या है। तब वहाँ पे व्यासदेव आते हैं, व्यासदेव को पूछते भैया ऐसे कैसे हो गया। व्यासदेव 2 मिनट के लिए अपनी आँख बंद करते हैं, फिर मुस्कुरा के बोलते हैं कि अरे ये जब मिनिस्टर ने, मंत्री ने जब इसका वध किया और जब ये घोड़े से नीचे गिर गया
तब वो जो स्थान में गिरा था वहां भूल से किसी भक्त ने गोपी चंदन गिरा दिया था, तो उसके शरीर पे गोपी चंदन लग गया, तो इसलिए उस पूरे पापों से उसका जो है मुक्ति हो गया। तो इमेजिन करिए अगर हम गोपी चंदन लगाते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। और बोलते हैं कि अगर आप किसी भक्त को देख लो जिसने गोपी चंदन लगाया है तो भी आप एक ब्राह्मण का वध करने के पाप से मुक्त हो जाएंगे। इमेजिन कितना देर लगता है, 2 मिनट लगता है। नहीं माता जी शर्म आती है, कोई क्या बोलेगा, मंदिर तक संडे को ठीक है, मंडे से लगाने में शर्म आती, नहीं करनी चाहिए शर्म, नहीं करनी चाहिए, गोपी चंदन लगाना चाहिए, पूरा पूरा तिलक जो है हमें लगाना चाहिए। एनीवे हम और डिटेल में जाएंगे तो ये यहाँ ख़त्म नहीं होगा, आगे भागते हैं हम। ओके तो नेक्स्ट श्लोक में चले जाते हैं। जुगला मूर्ति देखिया मोरा परमानंद होया, जुगला मूर्ति देखिया मोरा परमानंद होया, प्रसाद सेवा करिते होया सकल प्रपंच जाया, प्रसाद सेवा करिते होये सकल प्रपंच जाया। बोलते हैं कि जो भक्त होते हैं वो जब भगवान की युगल मूर्ति को देखते हैं तो उन्हें बहुत आनंद आता है। क्यों ऐसा बोला गया है, क्योंकि जो भौतिक विषयों में निमग्न रहते हैं उनको भगवान को देखने से उतना आनंद नहीं आता है जितना शाहरुख खान को देखने में आता है। तो वो जब जाते हैं सिनेमा देखने के लिए, फिर वहाँ पे हीरो हीरोइन को देखते हैं, लेटेस्ट हीरो शाहरुख खान ही है क्या, और कोई है, मेरे को वही पता है, मेरे को उसके बाद मेरे डिसकनेक्टेड। तो अब जो हीरो हीरोइन को देखेंगे फिर उनका इमेजिनेशन शुरू हो जाता है, अपने आप को हीरो मानने लगते हैं, लेडीज़ लोग अपने आप को हीरोइन मानने लगती है। अब माता जी आप ऐसे क्यों बोल रहे, हाँ तो आप देखते नहीं क्या है लेडीज़ लोग मूवी देखने के बाद रोती क्यों हैं, रोना क्यों, उनको तो कोई नहीं मार रहा है, वो तो अच्छा से आईनॉक्स में एसी में पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहे, फिर भी आंसू क्यों आते हैं, उसका मतलब अपने आप को हीरोइन से रिलेट कर लिया। अब हीरोइन को कुछ कोई तंग करेगा तो इसको तंग हो जाएगा, ये रोने लगेगी, ये रेगुलर है, लेडीज़ लोग अपने आप को रिलेट करते हैं। और जो मेन है वो अपने आप को हीरो से रिलेट करने लगते हैं कि हाँ मैं भी एकदम बाहुबली हूँ, एकदम अपने आप को बस हो गया, ये बात है। तो उनको भगवान का युगल मूर्ति देखने में आनंद नहीं आता है, उनको भौतिक लव अफेयर्स देखने में आनंद आता है, लेकिन जो भक्त है वो युगल मूर्ति को देख के आनंद करता है। जब वो देखते परस्पर राधा रानी और कृष्ण का प्रेम, जब राधा रानी और कृष्ण का लीला पढ़ते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है, ये है भक्त का आंतरिक भाव, ये भक्ति विनोद ठाकुर हमें बता रहे। और उसकी बाद की लाइन में बोलते जो हम सबको अच्छा लगता है करने के लिए, प्रसाद सेवा, प्रसाद सेवा, प्रसाद खाना, मतलब जो भक्त होता है वो प्रसाद खाता है, और प्रसाद खाने के बाद क्या होता है, सकल प्रपंच जय, जो भगवान का प्रसाद खाता है ऐसा कुछ नहीं है जीवन में जो वो प्राप्त नहीं कर पाता है, सब कुछ प्रपंच जय कर सकता है, सकल प्रपंच जय। फिर भी हमें कितना आलस आता है भोग धराने में, 2 मिनट भी नहीं लगते भोग धराने के, भगवान के पास में रखो एक माला जप करो ले लो, उतना में इतना कुछ मिल रहा है, सकल प्रपंच जय, प्रसाद भगवान का प्रसाद लीजिए, आपको जो खाना है खाइए, कोई मना नहीं कर रहा है, ऑफकोर्स प्याज लहसुन की बात हम नहीं कर रहे, बाकी आप जो बनाना चाहते हैं बनाओ, मांस नहीं होना चाहिए और प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, बनाओ जो अच्छा लगता है आपको, टेस्टी बनाओ, बस भगवान को ऑफर करो और खाओ, खाने से आपका सकल प्रपंच जय, भक्ति विनोद ठाकुर वैष्णव आचार्य बोल रहे हैं, कितना आसान है चीज़ें पाने की। हम कुछ चीज़ पाना चाहते हैं तो इस भौतिक जगत में भी अगर हम कुछ चीज़ें पाना चाहते हैं तो भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, ये तो आसान आसान है माता जी, नेक्स्ट लाइन में चले जाइए, ये तो बहुत आसान है हम कर लेंगे। उद्धव गीता में, मतलब इसका मैं प्रूफ बता रही हूँ, उद्धव गीता में उद्धव भी ये बात बोलते हैं कृष्ण से कि ठाकुर जी आपके रेमिनेंट्स, आपके जो उत्तिष्ठ, मतलब आपको ऑफर किया हुआ प्रसाद अगर कोई खाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो प्राप्त नहीं कर सकता, सब कुछ वो प्राप्त कर सकता है, ये उद्धव भी बताते हैं। नेक्स्ट, जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भया, जे दिन गृह भजन देखी भाया च
सुख न सीमा पाया। चरण से दू देखिया गंगा सुख न सीमा पाया। भक्ति विनोद ठाकुर अपने खुद के घर के बारे में बता रहा है कि मैं जब घर वापस आता हूँ, मेरे घर का इतना सुंदर वातावरण होता है, मेरे बच्चे भजन करते हैं, मेरे पत्नी भगवान के लिए प्रसाद बनाती है, मेरा घर ही गोलोक वृंदावन जैसा मुझे लगता है। और हर भक्त अपने घर को गोलोक वृंदावन बना सकता है। कितना सरल है, अपने ड्राइंग रूम्स में से वो डब्बा टीवी को निकाल के फेंकिए, वहाँ पे भगवान के अर्च विग्रह को रख लीजिए, उसकी पूजा करिए, भगवान को प्रसाद निवेदन करिए, भागवत पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, भजन कीर्तन करिए, सुबह शाम आरती करिए, प्रसाद खाइए, बस हो गया, आपका घर बन गया गोलोक वृंदावन। कठिन है क्या? कितना आसान है। आपको कोई तपस्या करने के लिए नहीं बोल रहा है, कोई हिमालय जाने के लिए नहीं बोल रहा है, घर में ही रहने के लिए बोल रहे हैं, संन्यास लेने के लिए भी नहीं बोल रहे, लेकिन घर का वातावरण ऐसे बनाओगे तो घर एक गोलोक का वृंदावन बन जाएगा। और फिर बोल रहे हैं चरण सिंधु, जो भगवान का चरणामृत होता है उसको मैं जब पीता हूँ मुझे कितना आनंद आता है, क्योंकि चरणामृत मतलब जो भगवान के चरण से आया है। और फिर बोलते हैं देखिया गंगा, जब मैं गंगा को देखता हूँ सुख न सीमा पाए, मेरे को इतना सुख मिलता है, मेरे सुख का कोई सीमा नहीं है। और भक्ति विनोद ठाकुर स्पेशली इसके बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनका घर गोद्रुम द्वीप में था, वो गंगा बहुत निकट थी और हमेशा गंगा को देखते रहते थे। तो बोलते कि मैं जब गंगा को देखता हूँ मुझे कितना आनंद मिलता है, क्योंकि मैं बार बार मैं वो स्मृति लेके आता हूँ कि ये गंगा वही गंगा है जो भगवान के चरणों से आई है, तो उसको देख के मुझे इतना आनंद आता है। जिसने बता रही थी ना कि जो भगवान से प्रेम करता है उसको हर चीज़ भगवान से जो रिलेटेड होती है उसको देखने से उसको इतना आनंद आता है। और लास्ट दो स्टैंजा है, हम 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। तुलसी देखी जुराय प्राण माधव तोषणि जानी, तुलसी देखी जुराय प्राण माधव तोषणि जानी, गौर प्रिय शाख सेवने जीवन सार्थक मानी, गौर प्रिय शाख सेवने जीव न सार्थक मानी। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते जब मैं तुलसी को देखता हूँ मुझे इतना आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? क्योंकि मुझे पता है ये तुलसी भगवान को आनंद देती है, इसलिए मैं जब तुलसी को देखता हूँ मुझे अच्छा, माधव को ये तुलसी आनंद देती है। भक्तों को जब दूसरे भक्त को देखते तब क्यों आनंद होता है? क्योंकि उनको लगता है अरे ये भक्त भगवान की कितनी अच्छी सेवा कर रहा है, ये भगवान को आनंद दे रहा है, इसलिए उसको देखने से मुझे आनंद आता है। तो सबसे बड़ी भक्त तो तुलसी महारानी है, भगवान तो तुलसी के बिना प्रसाद भी स्वीकार नहीं करते। तो तुलसी को देख के भक्ति विनोद ठाकुर जो है बहुत प्रसन्न हो रहा है। और फिर बोल रहे गौर प्रिय शाख सेवन, गौर मतलब चैतन्य महाप्रभु, जो शाख, चैतन्य महाप्रभु को शाख बहुत अच्छा लगता था, पालक शाक, अलग अलग विभिन्न शाख। तो बोलते जब मैं शाख देखता हूँ गौर का प्रिय, चैतन्य महाप्रभु का जो प्रिय शाख है वो देखने से मुझे लगता है एकदम कि एक बार इसका आस्वादन करने से मेरा जीवन सार्थक हो गया। इसी यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हर चीज़ मुझे इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि वो मेरे भगवान के कनेक्शन में है। आजकल के प्रवचन में हमें तुलसी के बारे में बताना होता है तो हम कितनी अलग अलग तरीके से बताते हैं, तुलसी इज़ ए मेडिसिनल प्लांट, तुलसी का पानी पीने से आपका कफ रुक जाएगा, आपको ये सब बोलना पड़ता है लोगों को समझाने के लिए, प्लीज़ आपके घर में तुलसी रखो। लेकिन हालांकि हमें ये सब कारण में इंटरेस्ट नहीं है कि तुलसी से एयर पोल्यूशन कम होता है या तुलसी से कोई रोग ठीक होता है, हमें तो तुलसी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो माधव की प्रिय है, बस और कोई गुण हमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आजकल प्रवचन में बोलना पड़ता है अरे गाय का दूध पीजिए, ये होगा वो होगा, अरे उतना सब गाय के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हमें गाय प्रिय है क्योंकि वो कृष्ण की प्रिय है, जो कृष्ण के प्रिय है वो हमारे प्रिय है, बस यही कारण होना चाहिए और कोई कारण नहीं होना चाहिए। लास्ट श्लोका, भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जाहा, भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जाहा, प्रति दिवस परम सुखे स्वीकार करो ये ताहा, प्रति दिवस परम सुखे स्वीकार करो ये ताहा। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं इस लास्ट श्लोका में कि जो भी हमारे भक्ति के अनुकूल है,
ऐसी चीज़ों को, ऐसी क्रिया को हमें करना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए। जो जो भक्ति के अनुकूल क्रिया को स्वीकार करता है या अनुकूल चीज़ों को स्वीकार करता है, उसका जीवन हमेशा प्रतिदिन प्रतिदिवसे परम सुख, हमेशा सुख रहेगा उसके जीवन में, हमेशा उसके जीवन में आनंद रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है एज ए डिवोटी हम हमेशा वो ही चीज़ अपनाएं जो भक्ति जीवन में अनुकूल है। कभी कभी हम क्या करते हैं, जो भक्ति के प्रतिकूल है ऐसी चीज़ भी हम करते हैं, अपनाते हैं, और फिर बोलते एक ही बार किया माता जी, एक ही बार मूवी देखने गया, एक ही बार मैंने होटल में खाया, एक ही बार मैंने ये गलती किया। नहीं करना चाहिए। एक बार गलती जब हो जाती है उसके बाद में चेन ऑफ गलतियाँ शुरू हो जाती, एक गलती से दूसरा गलती। माया को प्लेस दे दिया ना, माया को प्लेस नहीं देनी चाहिए। मैं हमेशा ये उदाहरण देते रहती हूँ कि आप कभी कोई जनरल कंपार्टमेंट में, कोई आजकल तो रिजर्वेशन कंपार्टमेंट भी जनरल कंपार्टमेंट जैसा हो गया है, आप वहाँ बैठो और कभी कभी आप देखेंगे कोई ना कोई पैसेंजर आके बोलेंगे थोड़ा सा हट जाओ, थोड़ा सा जगह दे दो। और हम सोचते हैं कि थोड़ा सा जगह देने में क्या जाएगा, आफ्टरऑल हम लोग डिवोटीज हैं। लेकिन थोड़ा, एक घंटे के बाद क्या होगा, आप नीचे बैठे हैं, वो लोग पूरा पूरा ऊपर बैठे हैं और आप कहीं नीचे बैठे हैं। आपने किया था क्या, थोड़ा सा जगह दिया था। माया का भी यही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा जगह दे दिया ना माया को, थोड़ा सा। अरे एक संडे नहीं गया तो क्या हो गया, पहाड़ टूट गया क्या? नहीं, पहाड़ नहीं टूटा, तुम टूट गए। अब क्या होगा, धीरे धीरे एक के बाद में फिर दूसरा संडे भी दिल करेगा, चलता है, लास्ट संडे तो नहीं गया था, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर धीरे धीरे तुम भक्ति जीवन से दूर, फिर तुमको पता ही नहीं चलेगा तुम कब दूर हो गए। पहले कभी ऐसा भी दिन हुआ करता था कि एक संडे भी ना आए तो लगता कि पहाड़ टूट गया, अब तुमको फर्क ही नहीं पड़ता, अब तुमको आदत हो गई क्योंकि तुम दूर हो गए, तुमने माया को जगह दे दी। अब माया क्या किया, धीरे धीरे जगह पे अब तुम्हारे हृदय के सिंहासन पे बैठ गई। पहले उस सिंहासन में गुरु बैठे थे, कृष्ण बैठे थे, अब वो बैठ गई, अब उसके अनुसार तुम नाचोगे। अब हर संडे वो तुमको बहाना बोलेगी, ये संडे तो थक गए ना, ये संडे तो गेस्ट आ गए ना, ये संडे तो बारिश आ गई ना, ये संडे तो शादी में जाना था ना, बस हो गया। धीरे धीरे भक्ति जीवन से दूर। तो इसीलिए जो भक्ति के प्रतिकूल है थोड़ी मात्रा में भी उसे नहीं लेना है, और जो भक्ति के अनुकूल है उसे हमें अपनाना है। तो आज का होमवर्क ये है कि आप घर जाइए, एक पेपर पेन लीजिए और सुबह से आप जब उठते हो, ब्रश करते हो, से लेकर रात को जब आप सोते हो, तब तक कौन सी चीज़ है जो भक्ति के अनुकूल है जो आप कर रहे हो, और कौन सी चीज़ है जो भक्ति के प्रतिकूल है और आप कर रहे हो, उसका लिस्ट बनाओ। और उसके बाद वो लिस्ट अपने कहीं रूम में, कहीं भी हॉल में लगा दो, और फिर सोचो कि मुझे धीरे धीरे ये जो भक्ति के प्रतिकूल चीज़ें मैं कर रहा हूँ ना, उसको मुझे धीरे धीरे कट करना है, मैं नहीं करूँगा इसको, मैं इसको निकाल के बाहर फेंक दूँगा। और भक्ति के अनुकूल जो चीज़ है उसको धीरे धीरे बढ़ानी है। आज मैं यही ख़त्म करूँगी प्रवचन को, अगले रविवार को कुछ नए टॉपिक लेंगे। थैंक यू वेरी मच।